السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقحنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن والصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فساقه وقاده إلى الجنة ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن فزخ في قفاه إلى النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا حال ہیں آپ سب کے امید کرتی दुआ सन् तब सब को अपनी हिफ्स मान में रखे सेहत और आफियत ताफर बाए हर शर हर बीमारी और हर फितरे से महफूज रखे असमाना तै आपके वक्त पे आपकी ज़िंदगी में आपके मानो जान में बहुत सी खैर वरकत ताफर इस रमज़ान में हमें बहुत सारी नकियाँ करने की बादात करने की सद को करने की तोफ़ी इस रमजान में हमसे राज़ी हो जाए इस महीने की ख़ास रहमतें और बरक़तें हमें समेटने की तोफ़ी तरमाए रम़ान का महीना कुरान के नजूल का महीना है दुआ हमें इस रमज़ान में क़ुरान का दौर करने की और रोज़ एक पारे को तरजे और तफसीर से समझने की बेहतरीन तफ़ीक़ा फ़रमाए हमें दौर कुरन के इस सफ़र बे इसकाम ताकि हम अल्लाह इस कलाम को बेहतरीन तरीके से समझ सकें दीन पर अमल करना और उसे दूसरों तक पहुँचाना जो है वो हमारे लिए आसान हो जाए ताकि इस कुरान के ज़रिए हम अपनी सलाह कर सकें और अपनी ज़िंदगी कर्ना सुनत के मुताबिक गुजार सकें दूसरों के लिए अमली नमून बन सकें अल्लाह सुवल का हमें कुर्ब नसीब हो जाए इस रमज़ान के महीने में हमें बेहतरीन हमारी मफ़रत हो जाए आमीन अल्लाहुमा आमीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हद ला की तौफ़ी से हम आज तीसरे पारे का आगाज़ कर रहे हैं बकरा की आयतब टू फिफ्टी थ्री से इस पारे का आगाज़ हो रहा है दूसरे पारे में तहवील किबला पर बात हुई थी आदा क़बा को बरकस बनाकर ये ऐलान किया गया था कि अब इमामत का मनसब बड़ी इसराइल से लेकर उमत मुहम्मदिया को यानी हमें दिया जा रहा है फिर हमें चार जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बताई गई थी वो दी गई थी जो कि आप अलैहि वसल्लम की मिमेदारियाँ थीं कुरान करी में कई दफ़ा इनका ज़िक्र है लेकिन उनके बाद अब हमने इन जिम्मेदारियों को निभाना है ज़िम्मेदारी जो होती है वो भी एक इमानत होती है और उसके बारे में भी सवाल होगा लिहाजा इसको हमने अहसन तरीक़े से निभाना है किसी किस्म की कोई ख़्यात नहीं करनी अल्लाह सन्ना तला से अपना ताल्लुक मज़बूत करना है तकवा जो है वो अपने अंदर पैदा करना है ज़िक्र शुक्र सब्र मुसलसल दुआएं करनी है नवाफिल का अहमाम करना है और अपना क़ुरान के ज़रिए तस्किया नफ्स करना है यानी कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी असलाह करनी है अल्लाह रसूल के हर हर हुक्म हर हर सुनत पर अमल करना है ताते रसूल जो है वो तात अल्लाह सन्ना होती है अला की तात ही होती है ना क्योंकि रसूल जो हैं वो अल्लाह सन्ाता का पैगाम ही ले कर आते हैं इस सिलसिले में हमने आयत नंबर टू फोटी सिक्स जो थी उसमें तालुत और जलूद का वाक़ पढ़ा था ना देखिए उस वाक़े में और आज जो आगे आयात आएंगी जैसे कि आयत नंबर अभी आने वाली है टू फिफ्टी फ़ोर इन में बदर की जो है अहल ईमान को जहनी तैयारी करवाई जा रही है तालूत और जलूद के वाक़ में भी यही था ना कि जिन लोगों ने अपने रसूल की इताद की और पानी जो है वो यानी ये नहीं कि जी भर के पी लिया खूब प्यास बुझा ली बल्कि चुल्लू दो चुल्लू सिर्फ पिया ताला ने उन्हें ही जंग के लिए जो है उनका इंतखाब किया और बाकी जो लोग थे वो जंग ना कर सके ना वापस पलट गए और ख़ूब सैर होकर पानी पीने वालों ने तालु से कहा कि ला ताकत यौमा भी जालूत व जुनूदी कि आज हमें जालूत और उसके लश्करों का मुकाबला करने की ताकत ही नहीं है यानी जब इतात नहीं की तो उनकी हिम्मत उनकी ताकत जो है वो उनसे छीन ली गई लिहाजा अल्लाह की तदत जो है वो अमीर की इतात करने पर ही आती है तिल का रसुलना बद हम आला बद मन कल्लम बद हम दरवाजात व आती ना आई सबना मरियम अलबयन व अयदना कुदस الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. ये रसूल जो हमारी तरफ़ से इंसानों की हदायत के लिए आए हमने इनको एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर मरतब तय किए यानि आप लिए लिए को तमाम अम्बिया कराम पर फ़जीलत की ख़त्मनबीन बनाया इन में से कोई ऐसा था जिससे अल्लाह ने ख़ुद कलाम किया मसलन हज़रत मसीम किसी को उसने दूसरी हैसियतों से बुलंद दर्जे अता किए जैसे खलीलुल्लाह हैं हज़रत इब्राहीम और आखिर में ईसा ईसीाम इब्न मरियम को रोशन निशानियाँ अता और रूह पाक से उसकी मदद की यहाँ यही बताया जा रहा है कि अम्बिया कराम को फोकिया देना या फ़जीला देना अल्लाह सुबाना ताली का काम है हम बंदों को इसकी इजाज़त नहीं दी गई बुखारी किताब किताबीसीबिया में है कि एक वसलबाद और यहूदी की कुछ बातचीत हो गई तो यहूदी ने कहा कसम है उस अल्लाह की जिसने बूसा को तमाम जहान वालों पर फज़ीला दी तो मुसलमान से जब्त ना हो सका उसने उठा कर एक थप्पड़ मारा और कहा खबीस क्या हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वो अफजल हैं यहूदी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर उसकी शिकायत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे नबियों पर फजीलत ना दो क़यामत के दिन सब बेहोश हो जाएंगे सबसे पहले मैं होश में आऊँगा तो मैं देखूंगा कि हज़रत मूसा आलाम अन् के अर्श का पाया थाम, आले थाम, आले थाम में हुए हैं मुझे नहीं मालूम कि वो मुझसे पहले ही होश में आ गए या सिरे से बेहोशी नहीं हुए थे और कोहे तूर की बेहोशी के बदले में यहाँ की बेहोशी से बचा लिए गए थे बस मुझे नबियों पर फजीलत ना दो लिहाजा हम अहले ई ईमान से यही कहा गया है कि हम तमाम अम्बिया कराम पर ईमान लाए कि सब अल्लाह अलसाना ताली के भेजे हुए थे और सब अल्लाह अलसान तला का पैगाम लोगों तक लेकर आए थे लोगों को उन्होंने हदायत का रास्ता जो है वो भी दिखाया और जहन्नुम का रास्ता भी कि ये काम करोगे तो जन्नत में जाओगे ये करोगे तो जहन्नुम में जाओगे उन्हें तोहिद की दावत दी यानी शख्सियत परस्ती से हमें बचना चाहिए किसी नबी का इनकार हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि एक नबी का इनकार सब अम्बिया कराम का इनकार होता है और हमारा ईमान तो मुकम्मल ही नहीं होता जब तक हम गैब पर ईमान ना लाएं एक अल्लाह पर ईमान लाना है हमें तमाम आसमानी किताबों पर तमाम अम्बिया कराम पर फ़रिश्तों पर जन्नत जहनों पर तकदीर पर बास बादल मौत पर के क्यामत के दिन हम दोबारा ज़िंदा होंगे और हमारा हिसाब किताब होगा फिर कहा जा रहा है अगर अल्लाह चाहता तो मुमकिन ही ना था कि इन रसूलों के बाद जो लोग रोशन निशानियाँ देख चुके थे वो आपस में लड़ते मगर अल्लाह की मशीत ये ना थी कि वो लोगों को जबरन इख्तलाफ़ से रोके इस वजह से उन्होंने यानी लोगों ने बहम इख्तलाफ किया फिर कोई ईमान लाया और किसी ने कुफर किया हाँ अल्लाह चाहता तो वो हरगिज़ ना लड़ते अगर अल्लाह जो चाहता है वो करता है यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लाह की ये हमत है कि ये दुनिया आज़माइश के लिए है लिहाजा अल्लाह ताला चाहते तो जबरन सबको को तौहीद पर ले आते लेकिन फिर इम्तिहान कैसा होता सभी जन्नत में चले जाते नहीं यही तो इम्तिहान है कि अल्लाह सुबहाना ताली ने इंसान को आज़ादी दी है इख्तियार दिया है मर्जी दी है और उसे दो रास्ते दिखा दिए हैं और उन दो रास्तों पर चलने का तरीक़ा भी बता दिया है क्या काम करोगे तो तुम हदायत के रास्ते पर होगे जो जन्नत में जाता है और क्या काम करोगे तो तुम गुमराह के रास्ते पर होगे जो जहन्नुम में जाता है और उसके बाद जो रास्ता कोई इख्तियार करना चाहता है अल्लाह सुबाना तै वही रास्ता उसके लिए आसान फरमा देते हैं उसकी कोशिश के हिसाब से जो दुनिया के पीछे भाग रहा होता है मालो दौलत के पीछे भाग रहा होता है शोहरत के पीछे भाग रहा होता है उसी के लिए कोशिशें कर रहा होता है दुआएं कर रहा होता है तन मन धन लगा रहा होता है अल्लाह साल वहाँ ही रास्ते खोल देते हैं वो गुमराह के रास्ते पर चल पड़ता है और इसी तरह जिसके अंदर हदायत पाने की तलब होती है शौक होता है कोशिश होती है तड़प होती है तड़ उसकी कोशिश के हिसाब से अल्लाह अला उसके लिए हदायत के रास्ते खोलते ही चले जाते हैं और इस तरह से वो एक दिन आता है कि जन्त के आला दर्जा पा लेता है अल्लाह सुबाता ताली हमें भी जन्तल्फरदोस में जगाता फरमाए और अल्लाह सुबाना ताल हमसे बहुत सारी नकियाँ करवाए ताकि हम जन्नतफरदोस के अहल बन सकें आमीन अल्लाह मामीन या युला दीना आमनु अन फ़िमा रोज़क नाकुम कबली बईफ़ी वला खला तुम वाला शफआतु वल काफ़ी रोना हमोली एलो को जो बाल आए हो जो कुछ बालो बता हमने तुमको बख्शा है उस पे से ख़र्च करो इससे पहले कि वो दिन आए जिस पे ना कोई ख़रीदो फरोख्त तो होगी ना ही कोई दोस्ती काब आएगी और ना सिफ़ारिश चलेगी और जालिम असल में वही हैं जो कुफर की रविश इख्तियार किए हुए हैं यहाँ यही बताया जा रहा है कि ईमान एह यानी हमसे कहा जा रहा है जबकि इसी सूरत के आखिर में यही बात काफ़रों से कही जाएगी यानी कुफर पर मरने वालों से कही जाएगी हमें कहा जा रहा है साइट में कि अपने ईमान लाने के मकसद को ना भूलना इस मकसद को पाने के लिए तो माल खर्च करना होगा माल खर्च किए बग़ैर तो तुम नहीं कामयाब हो सकते नहीं दीन की सरबुलंदी हासिल कर सकते फला नहीं पा सकते यानी जिस तरह तुम जहाद बिल नफ़्स कर रहे हो यानी क़ुरान और हदीस से अपनी ज़िंदियाँ बदल रहे हो ना तस्की और नफ़्स कर रहे हो अपनी ज़माने जहालीत की जो भी कमी कुतायाँ हैं खराबियाँ हैं आदतें हैं जो भी गुनाह करते रहे हो बिदतें और शिर करते रहे हो उन सबको बदल रहे हो ना असलाह कर रहे हो अपनी कहा जा रहा है कि अब तुम क्या करो जिहाद बिल माल करो जिस तरह जिहाद बिल नफ्स करते रहे हो जिहाद बिल नफ्स अफज़ल और अली तरीन जिहाद है लेकिन अब ज़रूरत किस चीज़ की पड़ गई है जिहाद बिलमाल की क्योंकि दीन के फरोह के लिए और दीन के दिफा के लिए दीन की सरबुलंदी के लिए माल की ज़रूरत होती है और ये बेहतरीन इन्फा फ़ीस भीला है यानी अल्लाह के रास्ते में ये ख़र्च करना बेहतरीन है इससे अल्लाह का दीन जो है वो फैलेगा लिहाजा दिल खोल कर दीन की सरबुलंदी के लिए खर्च करो क्योंकि ये बाल जो है ना वो आखरत में जमा हो जाएगा काम आएगा क्योंकि उस दिन कोई रिश्तेदार कोई सिफ़ारिश कोई रिश्वत कोई ख़ुशामद कुछ काम नहीं आएगा उस दिन क्या चीज़ काम आएगी सिर्फ़ जो आपने अल्लाह की राह में ख़र्च किया होगा यहाँ काफिर को जालिम कहा गया है और यहाँ काफिर से मुराद मानवी है यानी जो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता दीन को माल की सख्त ज़रूरत है वो माली मदद नहीं करता अब आयतलकुर्सी आ रही है जो कुरान की अज़ीम तरीन और अफजलायत है नसाई में है आप सल्ह सलम फरमाया जो शख्स हर फ़र्ज़ रबाज़ के बाद आयतलकुर्सी पढ़े तो उसको जन्नत में दाखिल होने के लिए बज़ बौत के कोई माने नहीं है यानि मरते ही वो जन्नत में जाएगा हज़रत अभी बिन काब रज़ी से रसोल्ला सल अल्लाह वल् दरियाफ़्त फ़रमाते हैं कि किताबुल्लाह में सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत कौन सी है आप जवाब देते हैं अल्लाह और उसके रसूल ही को सब से ज़्यादा इल्म है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर यही सवाल करते हैं बार बार के सवाल पर वो जवाब देते हैं कि कुर्सी इस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अबुलमंनर अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारा इल्म मुबारक करे उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है उसकी ज़ुबान होगी और होंठ होंगे और ये बादशाह की तकदीस बयान करेगी यानी पाकी बयान करेगी और अर्श के पाए से लगी हुई होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कुर्सी कुरान की सब आयतों की सरदार है इसको पढ़ने से जान माल की हिफ़ाजत हो जाती है अहल्क़यम इसमें आज़म है इस आयत में अल्लाह सबान का एक जाम तारफ़ है आप सल्ला वसम ने फ़रमाया जब सोने लगो तो अतल कुर्सी पढ़ लो अल्लाह अल्ला ताला की तरफ से एक फ़रिश्ता निगे बान मुकर हो जाएगा यानी जो हिफाजत करेगा अल्लाकयम لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يوده حفظهما وهو العلي العظيم अल्लाह वो ज़िंदा जावेद हस्ती है जो तमाम कायनात को संभाले हुए है उसके अलावा कोई इला नहीं है वो ना सोता है और ना उसे ऊँग आती है यानी हर लम्हे अल्लाह सुबहाना ताली की अपने बंदे पर नज़र होती है हर हर बंदे पर ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है यानी हर चीज़ का मालिक अल्लाह सुबहाना तै है कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश करे यानी किसी को इख्तियार नहीं कि वो सिफारिश करे हाँ सिफ़ारिश सिर्फ़ अल्लाह की इजाज़त से ही होगी यानी अगर कोई करेगा तो अल्लाह ही इजाज़त देगा कि वो करे और किसके हक़ में करे ये भी अल्लाह ही की मर्ज़ी होगी और जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है और जो कुछ उनसे ओजल है उससे भी वो वाकिफ़ है यानी उसे ग़ैब का इल्म है और उसकी मालूम में से कोई चीज़ उनकी गिरफ्त में नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज़ का इल्म वो ख़ुद ही उनको देना चाहे यानी अल्लाह सुबहाना ताल किसी इंसान को या बिया कराम को कोई भी इल्म देना चाहता है तो जितना अल्लाह चाहता है बस उतना ही देता है हर चीज़ का इलम जो है कुल इम वह सिर्फ़ अल्लाह सुबहाना ताल के पास है उसकी हुकूमत आसमानों और ज़मीन पर छाई हुई है यहाँ कुर्सी से मुराद इकदार और हकूमत है और उनकी निगेबानी, उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं यानी अल्लाह नहीं थकता ज़मीनों आसमान की जो हुकूमत है उससे बस वही एक बुज़ुर्ग और बरतजात है यानी पूरी कायनात पर अल्लाह सबाना ताली का इख्तीार जो है वो छाया हुआ है अल्लाह सुबाना ताल सारी कायन को संभाले हुए है और अल्लाह सुबाना ताल थकता नहीं इससे आयतल कुर्सी भी अल्लाह का खूबसूरत तारुफ और मार्फत है यानी अल्लाह अल्ला की सही पहचान हासिल हो जाती है इससे और इस मार्फत को पाने के लिए बंदे में भी कुछ सिफात तो होनी चाहिए न हज़रतमान गनी अल्लाह अलउन फरमाते हैं कि अल्लाह को पहचानने के लिए यानी अल्लाह की मार्फत पाने के लिए बंदे में ये ख़ूबियाँ होनी चाहिए हम भी देखेंगे कि हम में से हम में इनमें से कौन सी ख़ूबी है और जो नहीं है तो उसको भी हमने इन खूबी को भी अपने अंदर लाना है नंबर एक खौफ खुदा रखता हो यानी हर मामला अल्लाह से डरते हुए करता हो नंबर दो अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखता हो यानी अल्लाह से मायूस ना हो नंबर तीन जुबान सना करने वाली हो यानी हर हाल में अल्लाह सुबहाना तला की हमद अल्हम्दुलिल्लाह नंबर चार है वाला हो नंबर पाँच आंसू उसकी आँखों में हो यानी अल्लाह की मोहब्बत में भी आंसू बहता हो और दूसरों के दुख पर भी आंसू बहता हो उनका भी एहसास रखने वाला दर्दमंद दिल हो नंबर छः दुनिया से बेरगबत हो यानी तरके दुनिया हो दुनिया के मालो मता को जमा करने का शौक़ ना हो बैंक बैलेंस भरने का शौक़ ना हो नंबर सात अल्लाह की ऱा चाहने वाला हो यानी हर काम इखलास के साथ करने वाला हो सिर्फ़ एक ही उसकी ज़िंदगी का मकसद हो कि मैं अल्लाह को भी राज़ी कर लूँ और उसकी मखलूक के भी काम आ जाऊँ बहुत ख़ूबसूरत आयत है लाक्र हफिद्दीन दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है इसका अक्सर लोग ग़लत मतलब निकालते हैं किसी को जबरन मुसलमान बनाना इस्लाम में मना है ये कहा जा रहा है पहले भी बात हुई ना कि अपनी मर्ज़ी और इख्तियार के साथ कोई अल्लाह पर ईमान लाए अल्लाह को भी माने अल्लाह की हर हर बात को भी माने तो वो कबूल होगा ना उसका ईमान लाना भी और उसका अमल करना भी ईमान की हालत में कहा जा रहा है जब कोई दारा इस्लाम में दाखिल हो जाएगा तो फिर सब अहकाम पर अमल करना होगा लोग कहते हैं दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं लिहाजा पर्दा तो दिल का होता है हिजाब की क्या ज़रूरत है सूद के बग़ैर तो आज कल गुजारा ही नहीं है नहीं ये नहीं कहा जा रहा बल्कि ये कहा जा रहा है कि ज़बरदस्ती तो मुसलमान किसी को नहीं बनाना लेकिन जब कोई अपनी मर्जी से दार दाखिल हो जाएगा तो फिर हर हर हुक्म अमल करेगा यानी कुरान के सब अहकाम पर अमल करेगा सात साल का बच्चा क्या हुक्म है नमाज पढ़ाओ दस साल का हो जाए ना पढ़े तो मारो ईमान लाने के बाद ये नहीं हो सकता कि जो आसान लगते हैं अहकाम जिन पर अमल करना भी आसान लगता है तो उस पर अमल कर लो

उसने एक ऐसा मज़बूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं और अल्लाह जिसका सहारा उसने ले लिया सब कुछ सुनने और जानने वाला है ताकूत हर उस सरकश को कहते हैं जो इंसान को हदायत से अल्लाह सुबान की बंदगी से अल्लाह की इबादत से अल्लाह की ताश से दूर करे उसे भी तावत कहा जाता है जो बंदगी की हद से तजावुस करे और ख़ुद को जो है वो कहे कि जी मैं खुदा हूँ खुदाई का दावा करे यहाँ बिलॉर्वस्का से मुराद है अल्लाह सबर का मजबूत सहारा ये सहारा किसे नसीब होता है जो अल्लाह के सहारों के अलावा बाकी सब सहारों को छोड़ देता है उन पर तोकल नहीं करता सिर्फ अल्लाह सुबहाना ताला पर तोल करता है क्योंकि अल्लाह सुबाना ताली के अलावा जो भी सहारे होते हैं वो सब तावत है ना वो कमज़ोर सहारे हैं जो इन कमज़ोर सहारों को छोड़ कर अल्लाह का मजबूत सहारा थामता है वो अल्लाह के एक बहुत ही महफूज एहसार में हिफाजत में एक महफूज छतरी में आ जाता है देखें अल्लाह सुबाता ताली के अलावा जितने भी सहारे हैं वो मुफात प्रस्त होते हैं मतलब निकलने पर छोड़ देते हैं जबकि अल्लाह सुबहाना तआला अपने मुखलिस बंदे को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ता कभी परेशान हाल और नाउमीद नहीं छोड़ता अल्लाह सुबहाना अपने मुखलिस बंदे की कदम कदम पर रहनुमाई करता है अल्लाह सुबहाना तआला का मजबूत सहारा अल्लाह सबाना तआला की मज़बूत रस्सी यानी कुरान को थामने से हासिल होता है कुरान थामने वाले के पास रस्सी का एक सिरा होता है और उस रस्सी का दूसरा सिरा अल्लाह सुबहाना तआला के पास होता है जैसा कि सूरज की किरणें हैं हर किरण हमें टकरती है ना तो ये अल्लाह सुबाना तआला की किरणों की तरह का एक वास्ता होता है जैसे सूरज की रोशनी हर चीज़ को पहुंचती है ना अल्लाह सुबहाना तआला का वो सहारा कैसे मिल सकता है जी अल्लाह की रस्सी को थाम कर कुरान को थाम कर कुरान ही हमें जो है हमारी असलाह भी करता है और हमें तकवाख्तियार करने में मदद करता है क्योंकि अल्लाह सुबाना ताली की बारफत कुरान से होती है अल्लाह की किब्रियाई अला की शान, अल्लाह सुबा की बड़ाई अल्लाह सल ने क्या 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 में हमारे लिए क्या क्या नियमतें सजा के रखी हुई हैं ये सब हमें कहाँ से पता चलता है कुर करीम से जब हम गुजशत अम्बिया कराम के और मुख्तलिफ लोगों के वाक़ पढ़ते हैं कुरान में तो हम देखते हैं कि जिनका तल्ल अल्लाह से मज़बूत था जो अपने अम्बिया कराम पर ईमान लाए जिन्होंने अपनी किताबों को थाम लिया जिन्होंने अपना अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत कर लिया जो अल्लाह से जुड़ गए जिन्होंने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया सिर्फ अल्लाह से उम्मीदें रखी वो कामयाब हो गए दुनिया में भी और आख़रत में भी देखें दुनिया में आप कुछ भी अल्लाह की राह के लिए यानी इखलास के साथ आप कोई भी कुर्बानी करें अल्लाह की राह में दें चाहे वो माल हो चाहे आपकी सलाहियतें हो चाहे आपका वक्त हो हो ही नहीं सकता कि वो आपको लौटा कर कई कई गुना बढ़ा करना दिया जाए हाँ हो सकता है देरो उसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत होगी कोई हमत होगी फ़र्ज़ करें आपने अल्लाह की राह में बहुत माल दिया बहुत दिया और एक वक्त आया कि आपको लगा कि अब तो कुछ है ही नहीं मैं कैसे दूसरों की मदद करूँ क्योंकि आपको देने वाला हाथ बनना पसंद है तो अल्लाह सुबहाना तला आपको देने वाला दोबारा बना देंगे अगर किसी वजह से देने में कोई कमी आ गई है जब अल्लाह सन्ना तला देखेंगे कि अब आप के अंदर बिल्कुल माल की मोहब्बत नहीं रही आप बिल्कुल दुनिया की नमतों से दुनिया की याशी के सामानों से बेरगबत हो गए हैं फिर अल्लाह ताली आपको देंगे हाँ जब कच्चे होंगे तो फिर देने का क्या मतलब है फिर हो सकता है आप उसमें खैनत कर जाए अपनी आखरत ख़राब कर लें तो अल्लाह तला नहीं चाहते अपने मुख्य बंदों की आखरत ख़राब करना यही वजह है कि अल्लाह सुबहाना तै के हर काम में हमत होती है अगर कुछ हाथ में नहीं आ रहा तो समझें मेरे अंदर कुछ कमी है मुझे अपने अंदर से माल की मोहब्बत निकालनी है दुनिया की याशियों की नमतों की जो तलब है उसको निकालना है इन फिर मदद आती है ये मैंने मिसाल दी है इसी तरह आप हर चीज़ को देख सकते हैं अल्लाह सुबाना ताली हमें गहराई के साथ अहकाम को समझने वाला और अपने अमल को बदलने वाला अपनी असलाह करने वाला अपना तस्किया नफ्स करने वाला अपनी खामियों को जानने वाला बनाए ख़ामियाँ पता चलेंगी तो हम उन्हें निकालेंगे ना वरना हम तो अपने आप को बहुत नेक पाक समझते रहेंगे और दूसरों पर ही फतवे लगाते रहेंगे लिहाजा जो अल्लाह को पा लेगा अल्लाह की मार्फत अल्लाह का तारुफ से हासिल हो जाएगा तो कहा जा रहा है वो शौरी ईमान ले आएगा और जो शोरी ईमान ले आएगा उसे क्या फ़ायदा होगा कहा जा रहा है अल्लाव आमनजु हमातिर जो लोग ईमान लाते हैं यानि अल्लाह पर आसमानी किताबों पर तमाम अबिया कराम पर फरिश्तों पर आखरत के दिन दोबारा उठाया जा, जाएगा हमें यानि बास बादल मौत पर तकदीर पर तो कहा जा रहा है उनका मददगार उनका दोस्त उनका हामी फिर अल्लाह हो जाता है जिसको अल्लाह दोस्त मिल जाए उसे फिर दुनिया की कोई नेमत नहीं चाहिए होती उसके दिल में अल्लाह ऐसा सुकून भर जाता है ऐसा इत्मीनान भर देता है कि फिर कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर कोई पहुंचाए ना तो अल्लाह पहले बीच में आ जाता है अल्लाह उसका सारा मामला जो है वो दुरुस्त कर देता है और कहा जा रहा है कि अल्लाह फिर अपने ऐसे दोस्त को तारिकियों से रोशनी में निकाल लाता है यानी उसे ईमान की रोशनी नसीब हो जाती है वो कुफ़र के शिर के गुनाहों के जुल्म के बेदात के और जहालत के अंधेरों से निकल आता है और जो लोग कुफर की रा अख्तियार करते हैं उनके हामी और मददगार ताबुत होते हैं अब ये हमें फ़ैसला करना है कि हमने अपना मददगार अपना दोस्त अपना हामी अल्ला सल्ला को बनाना है या ताहूत को ताहूत कोई शख्स भी हो सकता है जिसके दिल में माल की मोहब्बत रस्सी रची बसी हो जो हर वक्त दुनिया दुनिया करता हो और आपको भी दुनिया ही की तरफ घसीटता हो या शर की तरफ या गुनाहों की तरफ और वो उन्हें कौन ताबूत ताबूत उन्हें रोशनी से अंधेरों की तरफ खींच ले जाता है ये आग में जाने वाले लोग हैं हम फीहा खाल जहाँ वो हमेशा रहेंगे आप हज़रत इब्राहीम और हज़रत हुज़ैर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाकयात बताए जा रहे हैं अब तीन बहुत ही ईमान बढ़ाने वाले वाकयात आ रहे हैं जिनमें तौहीद का जिक्र है अल्लाह तआला मोमिन बंदे के यकीन हक के लिए कि पक्का यकीन उसे आ जाए जो कायनात के कानून हैं उनको भी बदल देते हैं अल्लाह ने कायनात के ख़िलाफ़ अक़ल के खिलाफ इस तरह के वाकयात के ज़रिए अपने बंद मोमिन को मुशाह करवाते हैं जिनका भी ज़िक्र आ रहा है ताकि इन अक़ल के ख़िलाफ़ वाक़ से इंसान जो है उसको शर सद, सदर हासिल हो जाए उसे अल्लाह पर पक्का यकीन हो जाए ईमान यकीन ईमान को कहते हैं उसका ईमान बिल्कुल पुख्ता हो जाए बढ़ जाए जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर ले जाया गया था अल्लाह साली ने मूसम से कलाम किया था कहफ का वाक़ आएगा अल्लाह सब ऐसे वाक़ से अपने बंदों को यकीन कामिलता फरमाते हैं ताकि जब वो यकीन हक के साथ कोई बात करे तो वो बात उसके दिल से निकले और दूसरों के दिलों पर असर करे अलम तार हाजा इब्राहिम फ़ी रबी अन मुल्क क्या तुमने उस शख़्स के हाल पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहिम से झगड़ा किया था झगड़ा इस बात पर कि इब्राहिम का रब कौन है कहा जाता है ये झगड़ा नमरूद ने किया था इब्राहिम से और नमरूद जो है वो इराक़ का बादशाह था और इस बिना पर कि उस शख़्स को अल्लाह ने हुकूमत दे रखी थी इद इब्राहिम रबी अल्लाही व्यूमितही व उमित जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो है जिसके इख्तीार में ज़िंदगी और बहुत है तो उसने जवाब दिया यानी नमरूद ने कि ज़िंदगी और मौत तो मेरे इख्तियार में है कहा जाता है ने जेल से दो आदमी मंगवाए एक की गर्दन उड़ा दी पर दूसरे से कहा जाओ तुम्हें मैंने माफ़ किया और फिर सबसे कहा कि देखो जिंदगी मौत तो मेरे इख्तियार में है इसके जवाब में इब्राहिम ने कहा अच्छा अल्लाह सूरज को बशरक से निकालता है तुम ज़रा उसे मगरब से तो निकालो नमरू जो था यह सुनकर बहुत ही हैरान रह गया क्योंकि डबरूत खुद को खुदा कहता था खुदाई दावा करता था कहता था ज़िंदगी मौत तो मेरे इख्तियार में है इब्राहिम ने जब तहमुल मिजाजी से यानी दलील से बात की तो फिर वो लाजवाब हो गया कहा गया कि अच्छा ठीक है तुम सूरज को मगरिब से निकाल कर ले आओ देखें हमारे लिए भी सबक है कि जब हम अल्लाह का पैगाम दीन का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने का काम करें तो फिर हमें बहुत ज़्यादा तहुलमिजाजी का बर्दाश्त का मुजाह करना चाहिए सब्र करना चाहिए दलील से बात करनी चाहिए और लोगों के एतराज़ा ठंडे दिल से सुनने चाहिए ऐसे मौक़े पे नवाफिल पढ़े जा सकते हैं सदका खरात किया जा सकता है दुआएँ अल्लाह से मांगनी चाहिए अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और बैसों बैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आवाज़ भी ऊंची नहीं करनी चाहिए और दलील से बात करनी चाहिए लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना जब अल्लाह से मदद मांगी जाए तो अल्लाह सब तुद ही आपकी मदद करते हैं और इन फिर दलील से बात करनी जो है वह भी आ जाती है शर्त क्या है अल्लाह से मदद मांगी जाए अल्लाह से ही उम्मीद रखी जाए कि अल्लाह ताला ही जो है वो आपको हल बताएगा ये सुनकर नमरू जो है वो हैरान रह गया कि मैं कैसे सूरज निकालूं, तुलू करूँ इसको मगरिब से वह यह दिल कमालिमी बगर अल्लाह ालिमों को राय रस नहीं दिखाया करता कहा जाता है जब इब्राहिम ने नमरू से कहा कि ठीक है खुदाई के दावे में सचे हो तो सूरज को मगरिब से तुलू करो तो उसने इब्राहिम इस्लाम को आग में डालने का हुक्म दे दिया और फिर आगे हम पढ़ेंगे कि अल्लाह सुबह ताल के हुक्म से आग ठंडी हो गई अब जो दूसरा वाकया आ रहा है एक राय यही है कि ये हुजैर इस्लाम के बारे में है अवकल्लदी मर अला करियतिन वहीवियतन अला उरूशी अला अन्ना यो ही हा या फिर मिसाल के तौर पर उस शख्स को देखो यानी अलैहिस्सलाम को जिसका गुज़र एक ऐसी बस्ती पर हुआ जो अपनी छतों पर ओंधी गिरी पड़ी थी यानी कि सारी की सारी जो बस्ती है उसके घर उल्टे हुए हुए थे तो अलैहिस्सलाम ने कहा ये आबादी जो हलाक हो चुकी है इसे अल्लाह किस तरह दोबारा ज़िंदगी बख्शेगा कहा जाता है तबरूद बख्त नसर रे फ़लस्तीन पर हमला किया ढाई हज़ार साल बाद आज भी वही जंग जो है वो जारी थी जिसमें बारह लाख में बारा से छः लाख क़त्ल हुए और छः लाख भेड़ बकरियों की तरह कैदी बना लिए गए एक सौ पचास साल तक वो क़़ैद रहे इस तरह योरशलम उजड़ा रहा और जो इनका हैकल सुलेमानी है वो शहीद हो गया एक ईंट कहते हैं कि ना बची और दुश्मन जो है वो ताबूत सकीना भी अपने साथ ले गए जिसमें हज़रत मूसीम का असात तौरात की तख्तियाँ और हारून स्लम के जूते और इसी तरह की दिगर निशानियाँ थी मनोसलबा वग़ैरह था पीछे ज़िक्र आ चुका है फिर ईरान के बादशाह जुर्कुल्न ने बनी इसराइल के साथ मिलकर योश्लम जो है वो आज़ाद करवाया उसे दोबारा तामीर किया गया सत्तर ईस्वी में टीटस रोमन जर्नल ने दोबारा यहूदियों को हला किया फिर यरूशलेम तबाह किया गया और आज भी तबाह है यही वजह थी कि यहूद मुसलमानों से सवाल किया करते थे आगे ज़िक्र आएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते थे कि नैन कौन था क्योंकि वो जुर्कुल्न को अपना महसिन समझते थे कहफ में जिक्र आएगा इसका जब हुज़र सलाम ने कहा कि ये तबाह हुई हुई आबादी ये कैसे दोबारा से उजड़ी हुई बस्ती जो है ये कैसे दोबारा से सब जिंदा होंगे अल्लाह तू कैसे इनको ज़िंदगी बख्शेगा तो अल्लाह सुभान व तआला ने इस सवाल पर हज़रत हुज़ैर सलाम की रूह कब्ज़ कर ली और सौ साल तक वो मुर्दा पड़े रहे फिर अल्लाह सुभान व तआला ने उन्हें दोबारा ज़िंदगी बख्शी और उनसे पूछा बताओ तुम कितनी मुदत पड़े रहे हो कितना अरसा सोए रहे हो अगर तुम्हें लग रहा है कि सोता रहा हूँ तो हज़र ने कहा एक दिन या चंद घंटे रहा हूँ फरमाया नहीं तुम सौ बरस इसी हालत में रहे हो अब ज़रा अपने खाने और पानी को देखो कि वो नहीं सड़ा कोई तब्दीली नहीं हुई ख़राब नहीं हुआ दूसरी तरफ ज़रा अपने गधे को भी देख लो कि उसका जो पिंजर है वो भी बहुत सीधा हो गया है यानी हड्डियाँ बन गया है और ये हमने इसलिए किया है कि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना देना चाहते हैं यानी अल्लाह अल्ला ने उन्हें तजर्बे से गुजारा उन्हें शरा सदर के साथ सब कुछ दिखा के ईमान की पुख्तगी बास बदल मौत के मरने के बाद फिर ज़िंदा होंगे इस अक़ीदे की पुख्तगी उनके अंदर डाली और दूसरी तरफ हमारे लिए भी वो ईमान की पुख्तगी का बायस बन गए ना हम जब ये वाक्य पढ़ते हैं तो मैं और हमारा ईमान बढ़ता है कि हाँ अल्लाह सब तला में ज़िंदा करेंगे हमें जवाबदेही करनी होगी तो फिर तैयारी करनी है कहा जा रहा है फिर देखो कि हड्डियाँ जो हैं उस पिंजर की कैसे हम दोबारा गोश्त पोस्त चढ़ाते हैं और दोबारा उसे उठाते हैं यानी ज़िंदा करते हैं बिल्कुल इसी तरह जब हकीकत इसके सामने बिल्कुल नुमा हो गई तो उसने कहा अलम्ल कुल्ली शय क़दीर मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है कहा जाता है ताला ने हुज़ैर आलाम को मुशाह कराया उनके सामने हड्डियों से दोबारा जो है वो गोश चढ़ा के गदा बनाया और उसमें जान डाल दी अब इब्राहिम इब्राहीम को मुशाह कराया जा रहा है और उनका वाक़ा बयान करके अल्लाह सन् हमें भी मुशाह करवा रहे हैं व इत कला इब्राहिम रबी अरिनी कैफ़ा तोहिल मऊता कला अवलम तुमिन कला बला वलाबी और वो वह भी पेश नज़र रहे जब इब्राहिम ने कहा था कि ए मेरे मालिक मुझे दिखा तू मर्दों को कैसे ज़िंदा करता है अल्लाह सवाल तै ने फ़रमाया क्या तू ईमान नहीं रखता यानी यकीन नहीं है कि मैं ऐसा करूँगा उसने अर्ज़ किया ईमान तो रखता हूँ मगर दिल का इतमान चाहता हूँ यानी हक़ुल यक़ीन यकीन चाहता हूँ तमाम अम्बिया को अल्लाह है तैयुल यक़ीन जो है वो मुशाह से अता फ़रमाया था आप में राज पर ले जाए गए थे अल्लाह ने तरमाया अच्छा तो चार परिंदे ले ले और उनको अपने से मानूस कर ले यानी किसी आवाज़ से हला ले कि वो आवाज़ जैसे मुर्गियों को कहा जाता है आ आ आ तो भागी भागी आती हैं फिर इनके एक एक हिस्से को यानी बहुत सारे टुकड़े कर ले और हर टुकड़े को एक एक पहाड़ पर रख दे फिर इनको पुकार इन जिस आवाज़ से मानूस किया है वो उससे बुला इनको वो तेरे पास परिंदे दौड़ते हुए चले आएंगे। खूब जान ले कि अल्लाह ने बाइकदार और हकीम है तफसीर कुरतबी थ्री जीरो ज़ीरो थ्री बे है कि इब्राहिम ने चार परिंदे लिए चारों को ज़बा किया चारों के टुकड़े किए फिर सारे टुकड़ों को आपस में मिला दिया फिर चारों पहाड़ों पर वो टुकड़े जो है रख दिए और सब परिंदों के सर अपने हाथ में रखे फिर अल्लाह के हुक्म से उन्हें बुलाने लगे परिंदों को जिस जानवर को आवाज़ देते उसके बिखरे हुए पर इधर उधर उड़ते और आपस में जुड़ते जाते इस तरह खून के साथ खून मिलता और बाकी जो हिस्से थे उस परिंदे के वो भी जिस जिस पहाड़ पर होते वहाँ से आप इसमें मिल जाते और वो परिंदा फिर उड़ता हुआ इब्राहिम के पास आ जाता आप इससे दूसरे इसके बाद दूसरे किसी परिंदे का सर लेते और इसी तरह सबको बारी बारी बुलाते हदीस में है कि जब इब्राहिम किसी दूसरे परिंदे का सर उसे देते तो वो उसे कबूल नहीं करता जो सबसे पहले सर रखा था ना हाथ में और उसके सारे अज्जा आए थे जुड़ते हुए तो कहा जा रहा है कि वही सर जो पहले रखा था उसी से जुड़ते ख़ुद उसका सर देते जो पहले रखा था तो वो फिर जुड़ जाता यहाँ तक कि एक एक करके ये चारों परिंदे ज़िंदा होकर जो है उड़ गए और तआला की कुदरत का और मुर्दों के ज़िंदा होने का ये ईमान बढ़ाने वाला नज़ारा खलील ने इब्राहिम इब्राहीम ने अपनी आँखों से देख लिया आज के पारे के आगाज़ पे था कि अम्बिया कराम हदायत का पैगाम लेकर आए थे क्योंकि हदायत ही इंसान के दिलों को बदलती है हदायत ही इंसान के दिलों में जो भी गलत होते हैं रस्म रवाज होते हैं शिरक और बिदात होती हैं गुमराइयाँ होती हैं उन सब का सफ़ाया हदायत करती है हदायत की ईमान की रोशनी जब दिल में आ जाती है तो जो भी इस तरह के गुमराई के अंधेरे होते हैं वो छटने लगते हैं इस तरह इंसान खुद को अंदर से बाहर से बदलने लगता है यानी बाहर से हुलिया भी फिर वो अल्लाह की पसंद का बना लेता है ना मर्द है तो ज़ारा दाढ़ी रखेगा जो भी कपड़े पहनेगा तेहमद वग़ैरह पजामा वो यानी कि टखनों से नीचे जा रहा है इसी तरह औरतें जो हैं वो भी अपने सतर का ख्याल रखेंगी हिजाब करेंगी और उनके दिलों में भी तकवा होगा अल्लाह का डर होगा जो उनके हर हर अमल से यहाँ तक कि हुलिए से भी नज़र आ रहा होगा लिहाजा नफ्स करने के लिए कदम कदम पर अल्लाह की ज़रूरत पड़ती है क़ुरान ही से तस्किया नफ्स होता है और कुरान ही से अल्लाह का साथ नसीब होता है अल्लाह से बंदा जुड़ता है अल्लाह की मदद आती है अमल बदलने के लिए आख़रत पर यकीन जो है वो भी होना बहुत ज़रूरी है ना तभी इंसान आख़रत की तैयारी करेगा और उसके लिए सारे वाक़ बताए गए जिस तरह अलैहिस्सलाम सौ साल सोए रहे ये वाक़ बताकर हमें बताया जा रहा है कि तुम भी बिल्कुल इसी तरह कब्रों से निकाले जाओगे ज़िंदा किए जाओगे और ये बताया गया कि जो रब परिंदों के टुकड़ों को दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर है वो तुम्हें भी क्या के दिन ज़िंदा करेगा यानी कोई जल कर मर जाए डूब कर मर जाए किसी को कोई जानवर खा ले या कब्र में वो हड्डियाँ बना हो अल्लाह वहीं से उठा लेगा अल्लाह तो कादिर है हर चीज़ पर देखें आयल कुर्सी से अल्लाह सबाना तआला ने इंसान को अपनी मार्फत करवाई हमें अल्लाह की शान अल्लाह की किब्राई अल्लाह की बड़ाई समझ आ गई अल्लाह के एहसान समझ आ गए बेशुमार नेमतें, ये सब कहाँ से पता चला कायन पर भी साथ, साथ और वफ़िकर किया अल्लाह के कलाम पे भी किया तो जब मार्फ़त हो गई ज़िंदगी का मकसद समझ आ गया इन वाक्यात से शर सदर हासिल हो गया तो कहा गया चलो अब आख़रत की तैयारी करो पहला काम ये करो कि माल बचा बचा कर ना रखो बल्कि दूसरों का दर्द भी दिल में लाओ उनका एहसास भी जगाओ उसे भी जिंदा करो और सद को खैरत करो उनकी मदद करो लिहाजा अब दो अल्लाह सुबहाना तला की राबे ख़र्च करने पर आएंगे, यानी इनफाक फ़ीस सबी पर इसके बाद सूद का ज़िक्र आएगा फिर कर्ज देने और फिर रहन पर बात होगी सूरत के आखिर में यही बात होती रहेगी आज के पारे की आखिरी आयत में भी यही कहा जा रहा है कि ईमान ले आओ जबा किया हुआ माल जो है वो अब निकालो क्योंकि वो माल यहाँ पे निकालोगे तो आख़रत में जमा हो जाएगा लेकिन अगर यहाँ पे बचा बचा के रखोगे और मर जाओगे तो वो फिर आख़रत में फिदिया देकर वो किसी तरह कबूल नहीं होगा कि फिदिया दे दो या वो तुम्हें अजाब से बाहर निकाल दे या उसे तुम बतौर रिश्वत दो क्योंकि वो तो दुनिया में रह जाएगा हाँ वहाँ पे तो वही काम आएगा जो सद का कर दोगे और वो नेकी के पहाड़ों की शक्ल में अल्लाह चाहे तो ओहद के पहाड़ के बराबर उसे बढ़ा दे उसे तुम वहाँ पाओगे उस मुश्किल दिन में वो फिर काम आएगा जख़ीरा किया वा, हुआ तुम्हारा माल और ज़खीरा कब हो सकता है जब हम दूसरों को दे देते हैं तब अपने पास रखने से नहीं बल्कि मर जाएंगे तो वारसों का हो जाएगा ना और वो क्या करते हैं उसको हराम कामों में लगाते हैं इसराफ करते हैं ज़रा उन्हें तो कोई दुख कोई दर्द उस पैसे का नहीं होगा ना उन्होंने तो मेहनत नहीं की होगी उन्हें तो मुफ्त में मिला होगा मथल्ला दीनाफी क़ो न अवा सभी लाही का मथली हब्बा जो लोग अपने बाल अल्लाह के राह में ख़र्च करते हैं उनके ख़र्च करने की मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई एक दाना बोए और उसमें से सात कोंप सात होशे सात बालियां निकलें और हर होशे में सौ दाने हों इसी तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है कबूलीत अता फरबाता है वो फराक दस्त भी है और अलीम भी है यहाँ यही बताया जा रहा है कि जब इंसान अल्लाह की राह में कुछ खर्च करता है तो उसके इखलास के हिसाब से उसकी नीयत के हिसाब से और फिर किस कुरबानी से उसने वो सद खराद किया उसके हिसाब से अल्लाह सुवाना उसको कबूल फरमाते हैं और अजर को बढ़ाते हैं और उसका अजर हो सकता है सात सौ गुना या उससे भी ज़्यादा हो जाए वहद के पहाड़ के बराबर हो जाए जो लोग अपने बाल अल्लाह की रब खर्च करते हैं और ख़र्च करके फिर एहसान नहीं जताते न दुख देते हैं उनका अजर उनके रब के पास है और उनके लिए किसी रंज व का मौका नहीं यहाँ एक तो ये बात पता चलती है कि अगर हम इखलास के साथ सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए और जिसकी मदद कर रहे हैं उसका दुख दर्द महसूस करते हुए उसकी तकलीफ़ दूर करने की नीयत से हम कुछ भी ख़र्च करेंगे तो अल्लाह सुबहाना तला जो हैं वो हमारे दिल में इत्मीनान और सुकून डाल देंगे हमारे दिल खौफ गम से आज़ाद हो जाएंगे अगर किसी का दिल जो है हर वक्त खौफ रहता है परेशान रहता है उसमें इत्मीनान नहीं है तो उसे चाहिए कसरत से सदका का खरात करना शुरू कर दे एक मीठा बोल और किसी नागवार बात पर ज़रा सी चशम पोशी उस ख़राज़ से बेहतर है जिसके पीछे दुख हो यानी अगर देने को कुछ भी ना हो तो मांगने वाले को धतकारना नहीं चाहिए धतकारना भी नहीं चाहिए और उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए बल्कि कोई ख़ूबसूरत बात कह देनी चाहिए कोई तारीफ़ कर देनी चाहिए कोई दिल खुश करने वाली नरम बात ताकि उसका दिल जो है वो खुश हो जाए अल्लाह बेनियाज है और बुरदबारी जो है वो उसकी सिफत है या यूहल्ला दीना आमन उला तुबतीलु सदाक़ाति कुम बिलमी व अदा ए ईमान वालों अपने सदक़ात को एहसान जता कर और दुख देकर उस शख्स की तरह खाक में ना मिला दो जो अपना माल सिर्फ़ लोगों के दिखाने को ख़र्च करता है ना वो अल्लाह पर ईमान रखता है और ना आखरत पर मुस्नद अहमद और इब्ने माजा में है कि माँ बाप का नाफरमान, फरमान खैरा सदका करके एहसान जताने वाला शराबी और तकदीर को जुटलाने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा इसी तरह नसाई में है तीन शख़्सों की तरह तीन शख्स जो होते हैं तीन तरह के जो लोग होते हैं उनकी तरह ना बन जाओ क्योंकि तीन शख्सों की तरफ अल्लाह सुबह ना तमद के, के दिन ना देखेगा यानी उनकी तरफ नज़र नहीं करेगा नंबर एक माँ बाप का नाफ़रमान नंबर दो शराब का आदि और नंबर तीन देकर एहसान चिताने वाला इसी तरह नसाई की एक और रिवायत में है कि ये तीनों शख्स जन्नत में दाखिल ना होंगे इसी वजह से इस साइट में कहा जा रहा है कि अपने सदकात और जो भी ख़ैरा वगैरह देते हो उसको एहसान जिता कर, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा कर बर्बाद ना करो ज़ाया ना करो क्योंकि अजर सब तो दूर की बात है तकलीफ़ पहुंचाने की वजह से वो जो भी सदका खराद करोगे वो कबूल भी नहीं होगा बल्कि बाय से गुना हो जाएगा इसी तरह दिखावे के लिए सदक खराद करने वाला और देख कर एहसान जताने वाला जो होता है उसकी ज़िंदगी में उस सदक़ा ख़रा करने से कोई खैर वरकत नहीं आती कहा जाता है ना सदका बलाउं को टालता है तो उसकी आज़माइशें बल्कि और बढ़ जाती हैं मसरत अहमद में है कि जिसने दिखावे का सदका किया दिखाने के लिए लोगों को उसने तो शिर कर लिया लिहाजा जकवात तो दिखा कर देनी चाहिए फ़र्ज़ है ताकि दूसरों को भी तरगीब मिले लेकिन जो बाकी सदक़ा वगैरह होते हैं वो छुपा कर देने चाहिए कहा जाता है इस तरह देना चाहिए कि दाएं हाथ से दिया जाए तो बाएं हाथ को पता ना चले हाँ अगर किसी को तरगीब दिलानी है कि भी आप भी दो वो वाकई उसको ज़्यादा की ज़रूरत है थोड़ा हम दे रहे हैं कुछ आप दो तो फिर आप इस नीयत से दिखा कर भी दे सकते हैं और आप जिससे चाह रहे हैं कि वो भी दे उसको थोड़ा बता भी सकते हैं कि देखो इतना इसको देना था इतनी इसकी ज़रूरत है लेकिन मैं तो इतना ही कर सका हूं ताकि हो सकता है उसको ख्याल आ जाए कि बाकी मैं दे देता हूँ तो अल्लाह ताला तो नीयतों के हिसाब से अज़र देते हैं अब बताया जा रहा है कि जो दिखावे के लिए देता है उसकी मिसाल किस की तरह है कहा जा रहा है उसके खर्च करने की मिसाल ऐसे है जैसे एक चट्टान थी जिस पर मट्टी की तय जमी हुई थी उस पर जब जोर की बारिश बरसी तो सारी मट्टी बह गई और साफ़ चट्टान की चट्टान रह गई यानी जो भी उस पर फसल उगी हुई थी कोई पौधा उगा हुआ था सब बह गया ऐसे लोग अपने नज़दीक खरात करके जो निकी कमाते हैं इससे कुछ भी उनके हाथ नहीं आता यानी कोई अजर स्वाब उन्हें नहीं मिलता इस मिसाल में यही बताया जा रहा है कि उस शख्स के सदक़े की मिसाल उस चट्टान जैसी है जिस पर मट्टी की तय हो और कुछ उगा हुआ हो और तेज़ बारिश उस मट्टी को बहा कर ले जाए और चट्टान बिल्कुल साफ रह जाए यानी जो भी मिट्टी पर उगा था वो बह गया यहाँ बारिश से मुराद सदका है चिटान से मुराद उसकी नीयत और जज्बे की खराबी है मट्टी की तह से मुराद जहरी ने की है जिसके नीचे नीयत की खराबी छुपी हुई है लिहाजा ये सदका कबूल नहीं होगा जिस तरह तेज़ बारिश ने ते चटान पर उगी फसल को बहा दिया ना जो भी उस पर उगा हुआ था और वो साफ़ बिल्कुल चटान रहेगी इसी तरह ऐसा सदक़ा जो है वो भी बिल्कुल ज़ाया हो जाता है कोई अजर स्वब और दुनिया में भी कोई ख़ैर बरकत कोई फ़ायदा उससे नहीं होता व्ला यह दिल का उमल काफ़ीन और काफ़िरों को सीधी राह दिखाना अल्लाह का दस्तूर नहीं है यानी काफिर से कहा जा रहा है जो अखलास के साथ सदका खराब नहीं करता बल्कि लोगों को दिखाने के लिए करता है इसके बर जो लोग अपने माल सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा जोई के लिए यानी अल्लाह को राज़ी करने के लिए दिल के पूरे बात व करार के साथ यानी अखलास के साथ खर्च करते हैं यानी नियत भी उनकी ख़ालस होती है और तरीक़ा भी दुरुस्त होता है और आख़रत का जर चारे होते हैं अल्लाह को राजी करना चाहते हों है, चाहते हैं तो कहा जा रहा है उनके ख़र्च करने की मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी बुलंद नरम जगह पर एक बाग हो अगर ज़ोर से बारिश हो जाए तो दुगना फल लाए और अगर ज़्यादा ज़ोर की बारिश ना भी हो तो एक हल्की फोार हल्की सी बारिश हो गई कोई शबनम पड़ गई वही उसके लिए काफ़ी हो जाती है तुम जो कुछ करते हो सब अल्लाह की नज़र में है यहाँ ऐसे शख़्स की मिसाल दी गई है जो सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए अखलास के साथ सदको खराद करता है लोगों को दिखाने के लिए नहीं करता दिल की खुशी से अगर वो दे रहा हो तो एहसान भी ना जिताए दिखावा भी ना करे तो कहा जा रहा है कि ऐसा सदका असम तला कबूल फ़रमाते हैं और दुनिया में भी खैर बरकत आती है कई गुना बढ़ा कर अल्लाह तुटाते हैं और आखरत में भी अजर अजीम वो पाता है यहाँ ये भी शर्त है कि वो दे एहसान ना जिताए इसके साथ साथ सिला बिना चाहे कि मुझे अब बदले में कुछ मेरे साथ भी ये अच्छा करे यहाँ देखें ज़ोरदार बारिश से मुराद सदका है जो अखलाश नीयत के साथ यानि अखलास भी है और अच्छी नीयत भी है और जज्बे से दिया जाए यानि शौक़ से जज्बे से और हल्की फुहार से मुराद वो सदका है जिसमें नीयत तो दुरुस्त हो लेकिन जज्बे में शिद्दत ना हो बताया ये जा रहा है कि जिस तरह अच्छी ज़मीन पर कम बारिश पड़े तो भी अच्छा फल हो जाता है ना इसी तरह इखलास के साथ अच्छी नीयत के साथ दिए गए सदक़े में जज्बा और शौक़ कम हो तो भी वो नफ़ा देता है कबूल भी हो जाता है और अजर स्वाब भी मिलता है क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि उसके पास एक हरा भरा बाग हो नहरों से शराब किया जाता हो खजूरों और अंगूरों और हर किस्म के फलों से मेवों से लदा हुआ हो और वो वह उस वक्त एक तेज़ भगोला यानी एक तेज़ आंधी की जद में आकर जुलस जाए यानी ख़त्म हो जाए जबकि वो ख़ुद बुढ़ा हो और उसके बच्चे कम सन हो छोटे हो, किसी लायक ना हो ये एक मालदार शख्स की मिसाल है जो अल्लाह की इतात करता रहता है फिर अल्लाह शैतान को उस पर गालिब कर देता है वो गुनाह में पड़ जाता है इस तरह उसकी उम्र भर की जो नेकियां हैं ना वो ज़ाया हो जाती हैं इस शख्स की मिसाल कहा जा रहा है ऐसे बूढ़े शख़्स की मानद है जिसने सारी ज़िंदगी अपने बा को हरा भरा करने में उसको खूब शराब किया खूब वो फला फूला और अपनी सारी ज़िंदगी उसमें लगा दी खजूरों अंगूरों और हर किस्म के जो फल हैं वो उसने उगाए नहरों से शराब किया और एन बुढ़ापे के वक्त यानी सारी ज़िंदगी लगा दी और जब बढ़ा बुढ़ापा आया तो उस बुढ़ापे के वक्त उसके बच्चे भी छोटे हैं कहा जाता है कि एक तेज़ भगोला आया आंधी आई तूफ़ान आया और उसका बाग जो है वो तबाह हो गया क्योंकि बच्चे छोटे हैं अब वो एक नया बाग तो नहीं उगा सकते बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स सिर्फ दुनिया बनाने के लिए कोशिश करता रहा तन मन धन लगा दिया दुनिया बढ़ाने में जब वह अल्लाह के पास जाएगा तो उस दिन सबसे ज़्यादा अजर का मोहताज होगा ना और जब उसे पता चलेगा कि उसने तो सारी कमाई दुनिया के लिए की थी जो दुनिया में उसको मिल गई थी और दुनिया ही में रह गई उसकी कमाई आख़रत में तो फल नहीं मिलेगा उसको तो वो कहा जा रहा है उस शख्स की तरह है जिसने अपना बाग फलने फूलने में उसको बढ़ाने में लगा दी अपनी सारी ज़िंदगी और फिर वो जल गया बुढ़ापे में और बच्चे छोटे थे इसी तरह कहा जा रहा है जब ये शख्स देखेगा कि वहाँ तो कोई अजर ही नहीं है आख़रत के दिन उसके पास तो बहुत ही हसरत करेगा बिल्कुल इसी शख्स की तरह जिसका बुढ़ापे में बाग जल गया था इसी तरह अल्लाह अपनी बातें तुम्हारे तो सामने बयान करता है शायद कि तुम ग़ौर वफ़िक करो इन वाक्यात से हमें नसीहत पकड़नी चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम भी ऐसे ही अब काम करें यानी अपना वक्त अपनी सलाहियतें अपना माल सब कुछ हम खपा दें दुनिया को बढ़ाने में अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में और जब हम अल्लाह के पास जाएँ तो वहाँ कुछ हमने जमा ही ना किया हो जमा कब होगा जब हम दुनिया में इखलास के साथ सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा चाहते हुए अल्लाह की में खर्च करेंगे अल्लाह ताला हमें इसकी बेहतरीन अता फरमाए। आमीन या अय्यो अल्ला दिन आमनु अनफ़ुन तोय बा माँ का अखरजना लकुम वि अखरजनाकुमिन अर्ब एलो को जो बाल लाए हो जो बाल तुमने कमाए हैं और जो कुछ हमने ज़मीन से तुम्हारे लिए निकाला है सोना चांदी, हीरे, जवाहरात, मादनियात उसमें से बेहतर हिस्सा अल्लाह की राह में ख़र्च करो कहा जाता है दस चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं वो माल ज़ाया हो जाता है जो ख़र्च ना किया जाए वो आलिम जिससे मसाइल ना पूछे जाएं इल्म ना हासिल किया जाए वो इल्म जिस पर अमल ना किया जाए वो अच्छी राय जो कबूल ना की जाए वो मस्जिद जिसमें नमाज ना पढ़ी जाए वो क़ुरान जिसकी तलावत ना की जाए वो घोड़ा जिस पर सवारी ना की जाए वो इलम दीन जिससे सिर्फ महज दुनिया ही कमाई जाए वो लंबी उम्र जिसमें सफ़र आखरत की तैयारी ही ना की जाए दुआ हम सबको क़यामत के दिन की हसरतों से बचाए हमें आज ऐसी कमाई करने की ऐसे नेकी के दरख्त लगाने की सदका खराद करने की तोफ़ी अताफ़रमाए जो क़यामत के दिन हमें वो दरख्त फाल दें हमें वो अमाल अजर अता फरमाए हमें नीयत से रियाकारी और दिखावे से बचते हुए अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हुए सदका खरात करना है असम हमें वो कल बीता फ़रमाए हमारे दिलों को खोले ताकि हम दूसरों का दर्द महसूस करें उनका एहसास रखें और उनकी ज़रूरतों का ख़्याल रखें फिर कहा जा रहा है ऐसा ना हो कि उसकी में देने के लिए बुरी से बुरी चीज़ छांटने की कोशिश करने लगो यानी हमने दूसरों के लिए वही पसंद करना है जो अपने लिए पसंद करते हैं कहा जा रहा है हालांकि वही चीज़ अगर कोई तुम्हें दे तो तुम हरगिज़ लेना पसंद ना करो गवारा ही ना करो जब कोई चीज़ दी जाए तो वो रद्दी नहीं होनी चाहिए फ़र्श करें फल हैं खजूरें हैं तो वो कच्ची नहीं होनी चाहिए गली सड़ी नहीं होनी चाहिए अगर कोई जानवर दिया जा रहा है तो वो कमज़ोर मरियल सा ना हो जो भी सदका खरात किया जाए वो ऐसा ही किया जाए कि अगर हमें कोई दे तो हम उसे कबूल कर लें अे कि इसको कबूल करने में तुम चशमपोशी करो हमीद तुम्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह बेन्याज है और बेहतरीन सिफ़ात वाला है शैतान तुम मुफलसी से डराता है कि ना दो दोगे तो ख़ुद फिर हाथ फैलाओगे दूसरों के सामने और शर्मनाक अमल इख्तियार करने की तरगीब देता है कि बिल्कुल ना दो ये ना हो कि कल तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ जाए मगर अल्लाह तुम्हें अपनी बख्शिश और फ़ज़ल की उम्मीद दिलाता है यानी अल्लाह कहता है दो दोगे तो और दूंगा, कई गुना बढ़ा कर दूंगा, खैर बरकत आएगी तुम्हारे माल की हिफाज़त हो जाएगी अल्लाह बड़ा फ़राग दस्त और दाना है जिसको चाहता है हिकमत अता करता है और जिसको हिकमत मिली उसे हकीकत में बड़ी ही दौलत मिल गई इन बातों से सिर्फ वही लोग सबक लेते हैं जो दानिशमंद हैं जो अक्लमंद हैं यहाँ हमें यही पता चलता है अल्लाह सब कह रहे हैं दूसरे को रद्दी गली सड़ी चीज़ ना दो फटे हुए बदबूदार कपड़े ना दो जो तुम खुद लेना पसंद नहीं करते बिल्कुल ना दो हाँ जो ख़ुद पसंद है वो दो और वो भी दे सकते हो कि तुम्हारा दिल भर गया है लेकिन वो रद्दी नहीं है दूसरा जो है उसको वो चीज़ अच्छी लगेगी तो फिर वो दी जा सकती है यानी अच्छी हालत में काबिल इस्तेमाल है तो दे सकते हैं और सदका खरात बहुत ज़्यादा करना चाहिए इससे बलाएँ भी टलती हैं अल्लाह राज़ी हो जाता है और सबसे बड़ी बात कि आज कल कितना खौफ गम और एक परेशानी और बे का ज़माना है ना कोविड का तो दिल में सुकून इत्मीनान तवक्कल अल्लाह और गम व खौफ से इंसान आज़ाद हो जाता है व मा अन फ़क्त इन अदर तुम मिनफ़िन तुमने जो कुछ भी खर्च किया हो और जो नज़र भी बारी हो अल्लाह को उसका इल्म है और ालिमों का कोई मददगार नहीं अगर अपने सदक़ात अलानिया दो तो ये भी अच्छा है यानी जो वाजबात होते हैं ज़क़ात जैसे फ़र्ज़ है ना तो इसको दिखा के दो ताकि दूसरों को भी फ़र्ज़ की अदाय का ख्याल आ जाए लेकिन अगर छुपा कर ज़रूरतमंदों को दो तो ये तुम्हारे हक़ में बे ज़्यादा बेहतर है नफली जो भी सदक़ात होते हैं वो छुपा कर देने चाहिए ताकि किसी की इज़्ज़त मजरू ना हो तुम्हारी बहुत सी बुराइयाँ इस तर्ज अमल से दूर हो जाती हैं यानी इंसान के गुनाह और जो बुराइयाँ हैं अल्लाह सुबाना तआला उनको दूर कर देते हैं और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को बहरहाल हर हाल में अल्लाह उसको उसकी ख़बर होती है वो अल्लाहु बिमा तमलोना खबीर, वो ख़बर रखता है यानी अल्लाह को ये भी पता होता है कि तुम जो चीज़ दे रहे हो नीयत क्या है इखलास है या दिखावे के लिए दे रहे हो लई सा हदा हम वाला किन्नशा लोगों को हदायत बख्श देने की ज़िम्मेदारी तुम पर नहीं है आप अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आपका काम तो सिर्फ मेरा पैगाम पहुंचा देना है हदायत तो अल्लाह ही जिसे चाहता है बख्शता है क्योंकि अल्लाह को लोगों के दिलों का पता होता है अल्लाह ताला दुनिया की सारी नेमतें बिन मांगे देते हैं लेकिन हदायत सिर्फ़ उसी को मिलती है जिसके अंदर तलब होती है जो लेना चाहता है और ख़ैरात जो बाल तुम खर्च करते हो वो तुम्हारे अपने लिए है यानी तुम्हारे ही भलाई के लिए है आखिर तुम इसीलिए तो ख़र्च करते हो कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो यानी अल्लाह तुम से राजी हो जाए तो जो कुछ माल तुम खैरात में ख़र्च करोगे उसका पूरा पूरा अजर तुम्हें दिया जाएगा यानी अल्लाह चाहे तो सात सौ गुना और चाहे तो ओहद के पहाड़ के बराबर उसका अजर कर दे और तुम्हारी हक तल्फी हरगिज़ ना होगी यानी देते वक्त दिल छोटा ना करो देने के बाद ये ना सोचो कि अब हमारा क्या बनेगा बल्कि दिल की खुशी से दो जितनी ख़ुशी से दोगे उतनी कबूलियत ज़्यादा होगी अभी पीछे हमने पढ़ा है ना ख़ास तौर पर मदद के मुस्तक वो तंग दस्त लोग हैं यहाँ सबसे पहले तो सब सूफा की तरफ इशारा है और फिर क्या मत तक के जो भी लोग, उलमा वगैरह जो दीन भी सिखा रहे होते हैं या मस्जिद में मौजर वग़ैरह और वो तंग दस्त भी होते हैं जो अल्लाह के काम में ऐसे घिर गए हैं कि अपनी ी कस्बे माश के लिए कोई ज़मीन में दौड़ धूप नहीं कर सकते यानी उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं होता कि कोई तजारत कोई कारोबार करें अगर वह ऐसा करें तो फिर दीन कौन सिखाए दीन के काम कौन करे कहा जा रहा है उनकी खुददारी देख कर नावाकिफ़ आदमी गुमान करता है कि ये खुशहाल हैं क्योंकि वो लिपट लिपट कर नहीं मांगते सफ़ेद पोश होते हैं तो कहा जा रहा है तुम उनके चेहरों से उनकी अंदरूनी हालत जो है वो पहचान सकते हो मगर वो ऐसे लोग नहीं हैं कि लोगों के पीछे पढ़कर उनसे मांगें लिहाजा उनकी मदद में जो कुछ भी तुम माल खर्च करोगे वो अल्लाह से छुपा ना रहेगा जो लोग अपने माल दिन रात खुले छुपे खर्च करते हैं उनका अजर उनके रब के पास है और उनके लिए किसी खौफ और रंज का मुकाम नहीं होगा यानी जो अल्लाह की राह में खुले दिल के साथ दिल खुश दिली के साथ वतकल के साथ खर्च करते हैं और ये नहीं इंतज़ार करते कि जब हमारे पास बहुत सारा हो जाएगा ना तो फिर देंगे अभी तो बस इतना ही है ना कि दे देंगे तो कुछ हमारे पास फिर तजोरी जो है वो भरी भी नहीं रहेगी नहीं वो अपनी ज़रूरतें काट के देते हैं तो कहा जा रहा है अल्लाह ताला उन्हें खौफ और रन से गम से आज़ाद कर देता है الذين الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي यबत الشيطان من المس. मगर जो लोग सूद खाते हैं उनका हाल उस शख्स का सा होता है जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो बुखारी किताबु ताबीर में है आप अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौक़े पर फरमाया कि जब हम एक सुरख रंग की नहर पर पहुंचे, जिसका पानी खून की तरह सुरख था तो मैंने देखा कि इसमें कुछ लोग बामुश्किल तमाम किनारे पर आते हैं तो एक फ़रिश्ता बहुत से पत्थर लिए बैठा है वो इनका मुंह फाड़कर कर एक पत्थर उनके मुंह में डाल देता है वो फिर भागते हैं फिर यही होता है पूछा गया तो पता चला कि ये सूद खोरों का ग्रोह है और इनके बाबला होने की वजह ये है कि ये सूद खोर हैं और कहते हैं कि तजारत भी तो आखिर सूद ही जैसी चीज़ है हालांकि अल्लाह ताला ने तजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन असेब जदा दीवाने मजनू और पागलों की तरह मदहोश होंगे कब्रों से इसी हालत में निकलेंगे जैसा कि शैतान ने छू कर इनको पागल और खपती बना दिया हो ये हाल क्यों होगा क्योंकि यानी यह हाल इसलिए होगा क्योंकि वो दुनिया में कहा करते थे तिजारत भी तो सूद ही की तरह है जबकि दोनों में ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क है तिजारत हलाल है सबसे बड़ा फ़र्क और सूद हराम है सूद पर सिर्फ सरबाया लगता है ना एक दफ़ा ही दिया जाता है ना माल और बस फिर मिलता ही रहता है मेहनत जहानत और वक्त की ज़रूरत नहीं होती तजारत में ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं मेहनत भी लगती है जहानत भी वक्त भी सूद में नुकसान नहीं होता जबकि तजारत में नुकसान का भी अंदेशा होता है सूद में मुनाफ़ा मुकर होता है जबकि तजारत में नफ़ा नुकसान दोनों हो सकते हैं और मुनाफ़ा भी मुकर नहीं होता सूद बे बार बार मुसलसल मुनाफ़ा मिलता रहता है और असल रकम भी महफूज रहती है जबकि तजारत पे एक बार सौदा तय होता है और मुनाफा भी एक बार ही मिलता है और तजारत जो है वो बाहम रज़ामंदी से होती है सूद मजबूरी की सूरत में लिया दिया जाता है यानी सूद देने वाला तो खुश होता है उसको तो अब हर महीने मुनाफ़ा ही मुनाफ़ा असल रकम भी महफूज और सूद में पैसा जो है ना वो गर्दश नहीं करता एक जगह जमा हो जाता है लिहाजा लोगों को रोज़गार नहीं मिलता जब लोग सूदी कारोबार करते हैं फमन जाम रब ही फन तलाफ़ व अमरू व मन आद फार हम फ़ी खालिदून लिहाजा जिस शख्स को उसके रब की तरफ से ये नसीहत पहुँचे और आइंदा के लिए सूद खोरी से बाज आ जाए तो जो कुछ वो पहले खा चुका सो खा चुका उसका मामला अल्लाह के हवाले है कहा जा रहा है सूद के मना होने के इस हुक्म से पहले जो भी सूद खा चुका हो उसका अब मुतालबा नहीं किया जाएगा वो अल्लाह से तोबा कर ले जा पहले तो ऐसा कोई हुक्म था नहीं तो कोई गुना भी नहीं किया था उसने अब हुक्म आ गया है और जो इस हुक्म के बाद फिर इस हरकत का अदा करे यानी फिर सूद खाए तो वो जहनुमी है जहाँ वो हमेशा रहेगा एक सही बुखारी किताबुत तबीर में हदीस है आप अलैहि वसल्लम ने शब मराज पर देखा फरमाते हैं हम जब एक सुरख रंग की नहर पर पहुँचे जिसका पानी खून की तरह लाल था तो मैंने देखा कि इसमें कुछ लोग बहुत मुश्किल से किनारे तक पहुँचते हैं जैसे ही पहुँचते हैं तो एक फरिश्ता जो कि बहुत सारे पत्थर लेके बैठा हुआ है वो उन लोगों का मुंह फाड़कर एक पत्थर उनके मुंह में डाल देता है वो लोग फिर भागते हैं और फिर यही होता है आप वसल्लम फरमाते हैं मैंने पूछा कि ये कौन है तो बताया गया ये सूद खाने वाले लोगों का ग्रोह है सूद होता है आप किसी को कर्ज दें लेकिन उसे कहें कि जब तक तुम कर्ज़ नहीं लुटाते हो हर महीने तुम इतनी इतनी रकम दोगे यानी या जब वापस करोगे तो इतना साथ में इजाफा भी दोगे तो कर्ज़ पर ये इजाफ़ा जो होता है ये सूद कहलाता है अल्लाह तआला फरमा रहे हैं यम हक रिबा व युरबिस सदकात अल्लाह सूद को मिटाना चाहता है यानी ख़त्म करना चाहता है और सदकात को नशो देना चाहता है और अल्लाह किसी ना शुकर्र बदम इंसान को पसंद नहीं करता यहाँ नाशुकर उसे कहा गया है जो सूद खाता है क्योंकि देखे उस पर अल्लाह का बड़ा ही करम होता है वो गरीब तो नहीं होता ना उसको अल्लाह ने खूब मालो दौलत दिया होता है करना क्या चाहिए जब अल्लाह ने मालो दौलत दिया है तो अल्लाह का शुक्र इस तरह अदा होगा कि उसकी माल की ज़क़़़़़त भी अदा की जाए और गरीबों को कर्ज आप दें अच्छी बात है बल्कि कर्ज देने के बजाय सद का करें लेकिन कर्ज सूद पर ना दें यानी गरीबों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाना होता है कि आप कर्ज़ सूद पर देते हैं और अल्लाह तआला ने गरीबों के मुकाबले में ज़ाहिर उसको ज़्यादा नवाज़ा होता है तो ये नाशक्री होती है जो वो गरीबों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाता है उनको कुछ देने के बजाय उन बेचारे गरीबों से मज़ीद हथियाने की कोशिश में लगा रहता है और सूदी कारोबार करता है लिहाजा अगर अल्लाह सलता ने हमें ख़ूब मालव दिया हुआ है तो हमें चाहिए कि अल्लाह के इस फ़ल को आगे भी बांटें, अल्लाह ताला हमें देने वाला बनाए उन आमन वामिलहत वाआाम हाँ जो लोग ईमान ले आए और नमल करें और नमाज़ क़ायम करें और ज़क़़्त दें उनका जर बेशक उनके रब के पास है और उनके लिए कोई खौफ और रंज का मौक़ा नहीं यानी नेक अमाल की कबूलियत के लिए हराम छोड़ना होगा एलो को जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और जो कुछ दोबारा सूद लोगों पर बाकी रह गया है यानी अभी अगर लोगों ने तुम्हारा सूद देना है तो मत लो उसे छोड़ दो अगर वाकई तुम ईमान लाए हो लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया तो आगा हो जाओ खबरदार हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से तुम्हारे ख़िलाफ़ एलान जंग है सूद खाने वाले से अल्लाह और उसके रसूल जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग करते हैं बहुत ही डरने की बात है अब भी तबाह कर लो और सूद छोड़ दो तो अपना असल सरमाया लेने के तुम हक़दार हो तुम जुल्म ना करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए यानी अगर तुमने किसी को सूद पर कोई कर्जा दिया हुआ था तो अपना माल ले लो सूद नहीं ले सकते तुम्हारा कर्जदार तंगदस्त हो तो हाथ खुलने तक उसे मोहलत दो या जो सदका कर दो यानी माफ़ कर दो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम समझो उस दिन की रसवाई और मुसीबत से बचो जबकि तुम अल्लाह की तरफ वापस होगे वहाँ हर शख्स को उसकी कमाई हुई हुईने की या बदी का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर जुल्म हरगिज़ ना होगा अब अगली आयत कुरान की ये तवील तरीन भी है और आयत उद्दैन भी कहलाती है यानी कर्ज़ के बारे में मकरूस का क्योंकि नमाज जनाजा भी नहीं होता ना अगर उसने कर्ज़ से ना हो इसलिए कहा जा रहा है ये बहुत ही नाजुक मामला है कर्ज के लेन देन का और कारोबारी शराकत का मामला हो कुछ भी हो तो क्या हुक्म दिया जा रहा है साहित में जो बारी है कि उसे लिख लिया करो या दीना इदा तदा तुम बिदईन एला अजल फ़क्तबु एलो को जो लाए हो जब किसी बकर्र बुदत के लिए तुम आपस में कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो फरीकैन के दरम्या इंसाफ के साथ एक शख्स दस्तावेज़ तहरीर करे यानी लिख ले जिसे अल्लाह ने लिखने पढ़ने की काबिलियत बख्शी हो उसे लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए वो लिखे और इमला वो शख्स कराए जिस पर कर्ज़ आता हो यानी माल देने वाला नहीं बल्कि जिस पर ज़िम्मेदारी आ रही है जो कर्ज़ ले रहा है वो लिखे और उसे अल्लाह अपने रब से डरना चाहिए कि जो मामला तय हुआ हो उसमें कोई कमी बेशी ना करे लेकिन अगर कर्ज लेने वाला ख़ुद नादान यानी बेअकल, या, बे या जहीफ कमज़ोर बूढ़ा हो या कोई ज़बान का मसला हो इमला ना करा सकता हो तो उसका वली इंसाफ के साथ इमला कराए यानी लिखत पढ़त कराए। फिर अपने मर्दों में से यानी मुसलमानों में से दो आदमियों को गवाह बना लो और अगर दो मर्द ना हो, तो एक मर्द और दो औरतें हों ताकि एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे ये गवाह ऐसे लोगों में से होने चाहिए जिनकी गवाही तुम्हारे दरमियान काबिल कबूल हो गवाहों को जब गवाह बनने के लिए कहा जाए तो उन्हें इनकार नहीं करना चाहिए यानी ये ना कहें कि जी हम गवाही नहीं देंगे मामला ख़्वा छोटा हो या बड़ा मकर मुद्दत के साथ इसको लिख लेना चाहिए और सुस्ती नहीं करनी चाहिए अल्लाह के नज़दीक यह तरीका तुम्हारे लिए ज़्यादा इंसाफ वाला है इससे शहादत कायम होने में ज़्यादा सहूलत हो जाती है यानी लिखी हुई चीज़ होगी तो मामला वाज हो जाएगा कोई भूल जाए तो लिखा हुआ सामने लाया जाएगा और तुम्हारे शिकुक व शुबात पे मुबला होने का इम्कान कम रह जाता है हाँ जो तजारती लेन देन नकद करते हो आप इसमें इसको ना लिखा करो जैसे पैसे दिए कोई आपने सौदा ख़रीद लिया सब्ज़ी फल कोई खाने पीने का सामान तो कोई हर्ज नहीं बगर तजारती मामले तय करते वक्त गवाह कर लिया करो यानी जब बड़े पैमाने पर तजारत करो कातिब यानी लिखने वाला और गवाह को सताया ना जाए यानी ज़बरदस्ती गवाह ना बनाया जाए फिर ग़लत गवाही जो है वो देने पर ना उकसाया जाए मजबूर ना किया जाए या कुछ गलत लिखने को ना कहा जाए ऐसा करोगे तो तुम गुनागार होगे अल्लाह के गसब से बचो वो तुमको सही अमल की तालीम देता है और उसे हर चीज़ का इल्म है अगर तुम सफ़र की हालत में हो और लिखने के लिए कोई कातिब ना मिले तो रहन पर मामला करो यानी कोई चीज़ गिरवी रखवा दो अगर तुम तो में से कोई शख्स दूसरे पर भरोसा करके उसके साथ कोई मामला तय करे तो जिस पर भरोसा किया गया है उसे चाहिए कि इमानत अदा करे और अल्लाह अपने रब से डरे कहा जा रहा है किसी को अमीन बनाया था सफ़र में थे कोई चीज़ गिरवी रखी कोई गवाह बनाया तो अब वक्त पर कर्ज़ जो है वो लौटा दो और शहादत हरगिज़ ना छुपाओ जो शहादत छुपाता है उसका दिल गुनाह में आलूदा हो जाता है यानी वह गुनागार है और व्ला बिमा आलीम अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है यहाँ बताया जा रहा है कि गवाही छुपाना भी जुर्म है झूठी गवाही की आप अलैहि वसल्लम ने शद मजम्मत फरमाई है और इससे बचने की तलकिन फ़रमाई है इसी तरह शहादत देने से बचना या शहादत देते वक्त हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश करना भी शहादत छुपाने में आता है और अगर रहन में जेवरात हैं तो उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा अगर जानवर है तो फिर दूध निकाल सकते हैं सवारी कर सकते हैं क्योंकि ये चारे की उजरत होगी लाही माफिस समावा फिल अर्द। व इन तु धू माफी अन फुसिकुम अतः फूह यु हसीब कुम बिहिल्ला आसबारो और जबीर बे जो कुछ है सब अल्लाह का है तुम अपने दिल की बातें ख्वाज़ाहिर करो या छुपाओ अल्लाह बहरहाल इनका हिसाब तुमसे लेगा फिर उसे अख्तियार है जिसे चाहे वाफ़ कर दे और जिसे चाहे सजा दे वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है जब यह आयत नाजिल हुई तो सहबा कराम इसायत को सुनकर बहुत डरे और इस को जब पढ़ते तो रोया करते कि हमारे दिलों में तो क्या क्या, -क्या ख़्यालत आ जाते हैं कभी गुना कभी आ जाता है तो क्या इनकी भी पकड़ होगी ये तो बड़ा मुश्किल हो गया फिर उन्होंने आप सहलम से ज़िक्र किया आप सल अल्लाह वसलम ने फरमाया कहो सम मौताना हमने अल्लाह का हुक्म सुना और हमने ताद की कि ठीक है दिलों के ख़्याल पर पकड़ होगी तो हम अब ख्याल रखेंगे कि कोई गुनाह का ख़्याल हमारे दिल में ना आए जब उन्होंने ऐसा कहा तो अल्ला सुबहाना तरतुलबकर की जो आखिरी दो आयात हैं वो नाजिल फ़रमाई जिनमें था ला युकलीफ़ाला नफसन अस् कि अल्लाह किसी इंसान पर उसकी बर्दार से ज़्यादा बोझ नहीं डालता ज़िम्मेदारी नहीं डालता और इस तरह इस आयत का हुक्म जो है वो मनसूख हो गया यानी दिल में पैदा होने वाले ख्यालात पर कहा गया कि पकड़ नहीं होगी अलबतः जो अल्लाह की ज़ात पर शक करे अल्लाह से बदगुमानी रखे मुनाफ्त रखे अहले ईमान से बोग रखे उनका तो हिसाब होगा बकरा की ये जो आखिरी दो आयत हैं इनकी फ़ज़ीलत के बारे में सही बुखारी में है कि जो शख्स इन दोनों आयत को रात को पढ़ ले उसे दोनों काफ़ी हो जाएंगी यानी कोई भी अमल का रह गया तो ये काफ़ी हो जाएंगी मुस्नत अहमद व है रसोल्ला सल्ला फरमाया सुरतलबरा की आखिरी आयत अर्श तले के खजाने से दी गई हैं मुझसे पहले ये किसी नबी को नहीं दी गई इसी तरह सही मुस्लिम है कि जब हज़र सलील्ला वसलम को मराज पर बुलाया गया और आप सलील आल वम सजरतलमतहा तक पहुँचे जो सातवें आसमान में है तो जो चीज़ आसमान की तरफ चढ़ती है वो यहीं तक ही पहुँचती है और यहाँ से ही ले ली जाती है और जो कुछ ऊपर से नाजिल होता है वो भी यहीं तक पहुँचता है फिर यहाँ से आगे ले लिया जाता है और इसे सोने की टिड्डियाँ जो है वो ढके हुए थी यानी जो मुंतहा बेरी का दरख्त था ना इसके ऊपर मंडलारी थी वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन चीज़ें दी गई नंबर एक पांच वक्त की नमाज़ें बकरा के इख्तिताम की ये दो आयत और तोहीद वालों के तमाम गुनाओं की बख्शिश यानी अगर कोई तौहीद पर होगा तो अल्लाह सबाना तआला अपनी रहमत से उसे बख्श देंगे मुसरत अहमद बे है कि हज़रत बिन आमिर रज़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बकरा की इन दोनों आखिरी आयत को पढ़ते रहा करो मैं इन्हें अर्श के नीचे के ख़जानों से दिया गया हूँ आमन रसूलुबीमा इलैहि ही रब्बिही वल हीन "كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير" لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

और जो लोग इस रसूल के मानने वाले हैं उन्होंने भी इस हदायत को दिल से तस्लीम कर लिया है ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों को मानते हैं यानी तमाम रसूलों पर ईमान लाते हैं और इनका कौल ये है कि हम अल्लाह के रसूलों को एक दूसरे से अलग नहीं करते यानि फ़र्क नहीं करते किसी को किसी दूसरे पर फजीलत नहीं देते और ये भी नहीं करते कि एक को माना और एक का इनकार कर दिया हमने हुक्म सुना और इतात कबूल की मालिक हम तो अपने गुनाहों की बख्शिश के तालिब हैं और हमें तेरी ही तरफ पलटना है अल्लाह किसी रफ़ पर उसकी ताकत उसकी कुदरत से बढ़कर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालता हर ने जो नेकी कमाई है उसका फल उसी के लिए है और जो बदी जो गुनाह समेटा है उसका वो बाल भी उसी पर है ईमान लाने वालों तुम यूँ दुआ करो ए हमारे रब हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाए जो गुनाह गलतियाँ खताएं हो जाएँ उन पर ना पकड़ना गिरफ्त ना करना बालिक हम पर वो बोझ ना डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे ए हमारे रब जिस बार को उठाने की ताकत हमें नहीं है यानी ऐसी आजमाइश में ना डालना जिसको झेलने की हमें ताकत ना हो और वो आज़माइश हम पर ना रख हमारे साथ बरबी कर हमसे दरगुजर फरबा, हम पर रहम फरबा, तो हमारा मौली है काफ़रों के मुकाबले में हमारी मदद कर तो हमारा दोस्त है तो हमारा मददगार है हमारी मदद फरमा इन आयात पे मुसलमानों को ईमान लाने के बाद सुनहरी असूल सिखाए जा रहे हैं कि जब भी अल्लाह का को कोई हुक्म आए तो फ़ौरन का होश में ना वाना ये नहीं कि ये हम कैसे करेंगे ये तो हमारे इख्तियार में ही नहीं है अल्लाह का हर हर हुक्म कहा जा रहा है दिलो जान से कबूल करो क्योंकि पूरे का पूरा दिन में दाखिल होने पर ही हमारी जो है बख्शिश होगी पढ़ने के बाद हमें अल्लाह के हजूर पेश होना है इसको नहीं भूलना चाहिए जवाबदेही होगी उस दिन वही कामयाब होगा जो अल्लाह को भी मानेगा रसूलों को भी मानेगा तमाम आसमानी किताबों फरिश्तों को मानेगा तकदीर को मानेगा आख़रत के दिन को भी मानेगा और उसकी तैयारी भी करेगा और जो भी अमल करेगा वो भी मसनून तरीके से करेगा कुरान सन्त के मुताबिक करेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े का इतबा करेगा और यही है ईमान की पुख्तगी अल्लाह ताला हमें भी नसीब फरमाए आखिरी आयत में बंदे मोमिन अपने रब से गड़ गिड़ा कर अपनी कमजोरियों का जो है वो इजहार कर रहा है कि मैं कमज़ोर हूँ भूल चू कर ख़ता हो जाती है लिहाजा पिछली उमतों जैसे सख्त अहकाम का बोझ ना डालना यानी ऐसे फ़्राइ़ आयत न करना जिनकी ताकत ना हो और ऐसी आजमाइश में भी ना डालना जिनको बर्दाश्त करने की ताकत ना हो फिर कहा जा रहा है कि हमें दरगुजर फरमा दे हमें बख्श दे हम पर रहम फरमा दे और हमें तौबा की अता फ़रमा दे सानी का मामला फरमा जैसा कि अभी बात हुई ये दो आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मराज के तौर पर बतौर तोहफ़ा मिली थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़जाने से ता की गई थी जो अरश के नीचे है ये बहुत ही अजीम आयत हैं आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रात को सोने से पहले ये दो आयत पढ़ ले तो काफ़ी हो जाती हैं और ये उसकी फिर हिफाजत करती हैं और आप अलैहि का मसनून अमल था सोते वक्त इन दो आयत की सूरत इखलास की सूरतलफल की सूरत नास की कुर्सी की तिलावत करते अपनी दोनों हथेलियों पर फूंक मारते और फिर सर से पाँव तक पूरे जिस्म पर फेर देते अल्लाह ताला हमें ते बस मसरून नमल की तोफ़ीक फरमाए और उसके साथ सोने की दुआएं भी पढ़ते थे और वो दुआ थी अलहमा बसमी का अमूत हुआ अह्य अल्लाह ताला हमें बीस की बेहतरीन तोफ़ी फरमाए आमीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबाना ताली की तोफ़ी से क़ुरान करीम की तवील तरीन सरतुलबकर जो है मुकमल हो गई है अल्लाह सुबान ताली हमें इसके अहकाम को बेहतरीन तरीके से समझने वाला अमल करने वाला और दूसरों तक जो है बताने वाला दूसरों को बनाए आमीन अम आमीन और ज़रूर बताइएगा कि वो कौन कौन सा अमल है जिस पर आपने अमल करना शुरू कर दिया है कौन कौन सा ऐसा हुक्म है और कौन से ऐसे अहकाम हैं जिन पर कोशिश जारी है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी उस हुक्म पर भी अमल कर लेंगे अल्लाह साल बेहतरीन तोफ़ी दे आमीन आइए अब सुर इमरान का आगाज़ करते हैं ये तवील तरीन मदनी सूरत है बीस रुकू और दो सोआयात है बकरा और अल इमरान का आपस में रब्त है बकरा के मजामी तोहितद हिसालत जिहाद और इफ़ाक की इस सूरत यानी अलेमरान में मज़ीद वजाहत है सरतुलबरा के आखिर ब काफ़िरों और मुशरिकों के मुकाबले के लिए अल्लाह तआला से मदद की दुआ मांगी गई थी इमरान में उस दुआ की कबूलियत का ज़िक्र है बकरा बे दीन दुश्मनों से कताल का जंग का हुक्म इमरान में मुसलमानों की फतह और कामयाबी का एक नमूना जो है वो बयान किया गया है बकरा बे अक्सर यहूद से खिताब था ना इमरान में अक्सर निसारा सेों से, से ख़ताब है अलबकर बेदलाल की रोशनी में तोहद जो है वो साबित की गई थी जबकि आलमरान में तोहद के हवाले से ईसाइयों के जो भी शकूक व शबहत थे उनके जवाब दिए गए हैं दोनों सूरतों की मुशाबियत यह है कि दोनों का आगाज़ अली फिलाम से होता है दोनों के आगाज़ में क़ुर करीम की अजमत का बयान है दोनों सूरतों के अख्ताम पर अजीम दुआएं हैं इन दोनों सूरतों को जुड़वा बहने भी कहा जाता है इन दोनों सूरतों के पढ़ने पर बराबर अजर स्वाब है बकरा में आदम सलाम का जिक्र था ना जो माँ बाप के बग़ैर पैदा हुए थे जबकि आलिमरान में हज़रत ईसा का जिक्र है जो बाप के बग़ैर पैदा हुए थे आइए कुछ बात अमरान की फज़ीलत पर कर लेते हैं रसुल्ला सल्ला वसम ने सुरतुल्बकर और आल इमरान को अजहरावैन यानी दो जग मंगाने वाली सूरत कहा है फरमाया इनको पढ़ा करो क्यामत के दिन वो इस हाल में आएंगी जैसे दो बादल या दो साबान या परिंदों के दो झुंड हैं ये अपने पढ़ने वालों की मफरत के लिए अल्लाह से झगड़ा करेंगी कुरान की तरतीब के अतबार से सरा आमरान का नंबर तीसरा है जबकि नज़ुल के अतबार से इसका नंबर एटी नाइन है सरः आमरान मजामी के अतबार से दो हिस्सों पर मुश्तमिल है पहला हिस्सा जो है वो आयत नंबर एक से लेकर एक सौ एक तक है जिसमें नसारा और उमत मुसलमा के दरम्या मुजन किया गया है कामयाबी और नाकामी के अबाब और जो असूल हैं उन पर बात है उन पर बात होगी हज़रतम के मतलब हसाइयों के जो अकायद थे ना उनकी भी नफ़ी की गई है दूसरा हिस्सा आयत नंबर एक सौ दो से लेकर इस सूरत के अख्ताम तक है जिसमें अमत मुहम्मदिया की कामयाबी के आगाज़ दरमियान और आखिर के लिए हदयात हैं सरा इमरान का पस मंर ये है या निशान नजूल ये है कि नौ हजरी को नजरान से साठ ईयों का एक वफ़द रसोल्ला सल्हम के पास आया ताकि जो भी आपस में मुतनाज़ मसाइल हैं उन पर गुफ्तु हो सके तकरीब अस्सी नवे आयात जो वो इसी सिलसिले में नाजिल हुई हैं इस सूरत की नसारा केुलमा को ईमान न लाने पर دعوة مبهلة भी دي जाएगी بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل الف لام الله وذندا جاويد हस्ती जो निज़ कायन को संभाले हुए है हकीकत में उसके सिवा कोई इला नहीं है उसने तुम पर ये किताब नाजिल की जो हक़ लेकर आई है और उन किताबों की तस्दीक कर रही है जो पहले से आई हुई थी इससे पहले वो इंसानों की हदायत के लिए तौरात और अंजील नाजिल कर चुका है यानी ये कुरान जो है तौरात और अंजील की तस्दीक करती है कहा जाता है अयूम जो है वो इसमें आज़म है एक हदीस में है कि अला तआला का एक इसमें आज़म जिसके हवाले से अल्लाह तआला से कोई भी चीज़ मांगी जाए तो वो ज़रूर देता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो नहीं कि वो इसमें आज़म कौन सा है कुछ इशारे दिए थे कि ये तीन सूरतों में है सूरतबकर इमरान और तहा और इन तीनों में यही है अलायूम और उसने वो कसौटी उतारी है जो हक़ और बातिल का फ़र्क दिखाने वाली है जब ये लोग अल्लाह के अहकबा को कबूल करने से इनकार करते हैं यानी ईमान नहीं लाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना कुरान पर तो यकीनन इन्हें सख्त सज़ा मिलेगी यानी जहाँ तआला व रहीम है रहम फरमाने वाला है वहाँ कहा जा रहा है अल्लाह अज़ीज़ों ज़ोन अल्लाह बेपना ताकत का बालिक है और बुराई का बदला देने वाला है ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ अल्लाह से पोशिदा नहीं वही तो है जो तुम्हारी बाओं के पेट पर पे तुम्हारी सूरतें जैसी चाहता है बनाता है यानी कोई अपनी शक्लो सूरत खुद नहीं बना सकता लिहाजा कभी भी किसी की शक्लो सूरत पर हमें एतराज नहीं करना चाहिए यह गुना है उस जबरदस्त हिकवत वाले के सिवा कोई और अला नहीं है वही अल्लाह है जिसने ये किताब तुम पर नाजिल की है कल किताब मन हु आ तुम मुहकमा तुन उमुल किताबी व उखरा मुत हमने ये जो किताब नाजिल की है इस किताब में दो तरह की आयात हैं एक महकमत हैं यानी पुख्ता वाज़ अहकाम लबास पढ़ो जक़ुत दो जो किताब की असल बुनियाद हैं और दूसरी मुतशाबी हाथ हैं यानी वाज नहीं हैं जैसे अल्लाह का हाथ अल्लाह की कुर्सी लिहाजा जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है यानि कजी है वो फितने यानि फसाद की तलाश में हमेशा मुतशाबी हाथी के पीछे पड़े रहते हैं और उनको अपनी पसंद के मानी पहनाने की कोशिश किया करते हैं हालांकि उनका हकीकी मफहम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता बख़लाफ़ इसके जो लोग इल्म में पुख्ताकार हैं राशिक हैं सच्चे मोमिन हैं वो कहते हैं मिन कुलंदना आमन्ना भी कि हबारा इन पर ईमान है कुल्लु मिन इंदी इनदी ना ये सब हमारे रब की तरफ़ से नाजिल हुआ है और सच ये है कि किसी चीज़ से सही सबक सिर्फ़ अक्लमंद लोग दानिशमंद लोग ही हासिल किया करते हैं यानी जो अल्लाह के ताबे होते हैं जो अक्लमंद होते हैं जो अल्लाह रसूल की इतात करते हैं वो अल्लाह से दुआ करते रहते हैं ये एक मोमिन का तर्ज़ अमल बताया जा रहा है कि वो हमेशा आख़रत की फ़िक्र में रहते हैं वो हदायत की दुआएं करते हैं ताकि हम जन्नत के रास्ते पर चल सकें उनकी दुआ होती है रबाना ला तज़ قلوبنا नादाय हदायत ना व हबला ना मिल्ला दूँ का रात तलवा ऐ हमारे रब जब तू तो हमें सीधे रास्ते पर चला चुका है तो फिर कहीं हमारे दिलों को कजी में मुबतला न करना हमें अपने ख़जान फैज़ से रहमत अता करना तू ही फ़िज़ हकीकी है ऐ हमारे रब तो यकीन सब लोगों को एक रोज़ यानी क़्यामत के रोज़ जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं है तो हरगिज़ अपने वादे से टलने वाला नहीं है अगर एक शख्स को हदायत की नमत मिल जाए तो बहुत ही ख़ुशकस्मत है इससे बड़ी तो कोई नेमत हो ही नहीं सकती अब जो अगला रुकू आ रहा है उसके बारे में कहा जाता है कि वो गज़ बदर के बाद दाजिल हुआ था इन कफ़ार नार। जिन लोगों ने कुफ़र का रवैया अख्तियार किया उन्हें अल्लाह के मुकाबले में ना उनका माल कुछ काम आएगा और ना उलाद वो दोज का ईंधन बनकर रहेंगे उनका अंजाम वैसा ही होगा जैसा फ़िरौन के साथियों और उनसे पहले के नाफ़रमानों का हो चुका था कि उन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया और सच यही है कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है पसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने आपकी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया है उनसे कह दो कि करीब है वो वक्त जब तुम मगलूब हो जाओगे यानी दुनिया में और फिर आखरत में जहन्नुम की तरफ हांके जाओगे और जहन्नुम बड़ा ही बुरा ठिकाना है तुम्हारे लिए उन दो ग्रोहों में से एक निशान इबरत है यानी बदर की जंग में जो बदर में एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए निकले एक ग्रोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा ग्रोह काफिर था देखने वाले अपनी आँखों से देख रहे थे कि काफिर ग्रोह मोमिन ग्रोह से दो चंद है क्योंकि मुसलमान जो थे वो तीन सौ तेरह थे दुश्मन को मुसलमान ज़्यादा दिखाई दिखाएगी अल्लाह ने दिखाए ताकि उन पर मुसलमानों का रोब पड़े बगर नतीजे ने साबित कर दिया कि अल्लाह अपनी फ़तह और नुसर से जिसको चाहता है मदद देता है यानी कामयाबी उसी को मिलती है जिसको अल्लाह देना चाहता है और आँखें वालों या देखने वाले जो हैं उनके लिए इसमें बड़ा सबक पोशीदा है यानी ये हकायक किस को नज़र आते हैं दीदा बिनार को जो आंखें रखने वाले होते हैं जो इबरत की निगाह रखते हैं वल शहवाती वल वलबन वल़ना तीरमुकती मिना दहबी वफिदती लोगों के लिए लफ्स को बरकूब करने वाली औरतें ओलाद सोने चांदी के ढेर चीदा घोड़े मवेशी और ज़री ज़मीने बड़ी खुशनुमा बना दी गई हैं बगर ये सब दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी के समान हैं यानी ये ज़रूरत की चीज़ें हैं दुनिया की ये जो नेमतें हैं ये आखरत की अबदी नेमतों से यानी उनके मुकाबले में एक तो वकती हैं नापायदार हैं हकीर हैं लिहाजा अपनी नज़र आख़रत की नेमतों की तरफ़ रखो उनको पाने की जो है वो कोशिश करो हाँ इनको बतौर सीढ़ी इस्तेमाल करो इनका इस्तेमाल करो जन्नत के अला दर्जात पाने के लिए यानी इन में खो कर इनको ही ज़िंदगी का मकसद ना बना लो कि असल मकसद को भूल जाओ क्योंकि औरतें सोना चांदी गाड़ियाँ घोड़ों की जगह आज कल गाड़ियाँ आ गई हैं ना औलाद बेटे वगैरह सब बायसे कशिश है ये खूबसूरत हैं सब दिल को भाते हैं लेकिन ना भूलो ये आसमायश के लिए हैं ये चीज़ें बजाते ख़ुद बुरी नहीं हैं इनका सही इस्तेबाल अजर स्वाग का बायस बन सकता है और इनका गलत इस्तेबाल की आग में झोंक सकता है लिहाजा ज़रूरत की हद तक इनकी ख्वाहिश की जा सकती है इंसान अशरफुलमखलूक है लेकिन दुनिया के हसूल की शदीद ख्वाहिश और हिरस इंसान को इंसानियत और अशरफियत के दर्जे से बहुत नीचे गिरा देती है और वह जानवरों से भी बदतर हो जाता है यानी जानवरों से बदतर भी हो सकता है और अगर, अगर अपने मकसद पर फोकस रहे नेमतों से आख़रत पाने की कोशिश में लगा रहे तो वो फरिश्तों से अफजल भी हो सकता है बुखारी और मुस्लिम में है सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों से ज़्यादा नुकसान दे और कोई फितना नहीं छोड़ा हाँ जब किसी शख्स की नीयत निकाह करके जिना से बचने की और औलाद की कसरत से हो तो बेशक ये एक काम है इसकी रगबत शरीत दिलाई है ना और इसका हुक्म दिया है इंसान गुनाहों से बच जाता है ना निकाह कर ले और बहुत सी हदीसें निकाह करने बल्कि कसरत निकाह की फज़ीलत में आई हैं और इस उम्मत में सबसे बेहतर वो है जो सबसे ज़्यादा बीवियों वाला हो ये है बुखारी किताब निकाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया एक फ़ायदा है और इसका बेहतरीन फ़ायदा नेक बीवी है ये मुस्लिम और किताब रज़ा में है कुल कलाउनबी मिन बंद कहो मैं तुम्हें बताऊँ कि इन ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है जो लोग तकवे की रविश इख्तियार करते हैं यानी अल्लाह से सिर्फ़ डरते हैं और सिर्फ़ अल्लाह से मोहब्बत करते हैं उनके लिए उनके रब के पास बागात हैं जन्नत के जिनके नीचे नहरें बहती होंगी वहाँ उन्हें हमेशा की ज़िंदगी जो है गुजारनी होगी उनके लिए पाकिज़ा बीवियाँ उनकी रफ़ीक होंगी और अल्लाह की रज़ा से वो सरफराज होंगे यानी सबसे बड़ी नेमत क्या होगी कि अल्लाह उनसे हमेशा के लिए राज़ी हो जाएगा अल्लाह अपने बंदों के रवैये पर गहरी नज़र रखता है ये वो लोग हैं जो कहते हैं रबा ربنا आमन्ना फौखिर दोनूब ना वाक़िन अदा नार ए हमारे रब हम ईमान लाए हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरबा और हमें दोजी आग से बचा ले ये लोग सब्र करने वाले हैं सच बोलने वाले हैं फर्मा बरदार हैं अमल है खर्च करने वाले हैं यानी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और रात की आखिरी घड़ियों में अल्लाह से मफ़रत की दुआएँ मांगा करते हैं यानी तहजद पढ़ते हैं नकियाँ करते हैं कर कर के भी तोबा इसफ़ार करते रहते हैं शहीद है अल्लाह ने ख़ुद शहादत दी है गवाही दी है कि उसके सिवा कोयला नहीं है और यही शहादत फरिश्तों और सब अहल इल्म ने भी दी है वो इंसाफ़ पर कायम है उस ज़बरदस्त हकीम के सिवा कोई अला नहीं है अल्लाह के नज़दीक दीन है सिर्फ़ इस्लाम है यानी दीन जो है वो क्या है इस्लाम लिहाजा क्या करना है पूरे का पूरा इसमें दाखिल होना है यानी कि एक हुक्म माना और एक छोड़ दिया जो आसान लगा उसे मान लिया जो मुश्किल लगा उसे छोड़ दिया इस दीन से हट जो मुख्तफ़ तरीक़े उन लोगों ने इख्तियार किए हैं जिन्हें किताब दी गई थी उनके इस तर्ज़ अबल की कोई वजह इसके स्वा नहीं थी यानी सिर्फ़ एक ही वजह थी कि उन्होंने इल्म आ जाने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज़्यादी करने के लिए ऐसा किया यानी जब इल्म आ गया फिर इख्तलाफात किए फिर कवारीत की और जो कोई अल्लाह के अहकबात और अल्लाह की हदायत की ता से इनकार कर दे अल्लाह को उससे हिसाब लेने में कुछ देर नहीं लगती यानी अल्लाह दुनिया में भी हिसाब ले सकता है और आख़रत की पकड़ तो बहुत ही सख्त है अल्लाह मसब्न हसाब यसीरा अब अगर ये लोग ए नबी आप से, से कहा जा रहा है तुमसे झगड़ा करें तो इनसे कहो मैंने और मेरे पैरोकारों ने तो अल्लाह के आगे सर तस्लीम एक ख़म कर दिया यानी हम तो ईमान ले आए इतात कर रहे हैं हर हर हु की फिर अहल किताब यानि यह ने सारा और गैर एहले किताब यानि मुश्ती मक्का दोनों से पूछो क्या तुमने भी अल्लाह की तात और बंदगी कबूल कर ली है अगर उन्होंने इतात व बंदगी कबूल कर ली है तो राय रास्त पागे यानी हदायत पागे और अगर इससे बूँ बोड़ा यानी मार ना लाए और अहकाम पर अमल ना किया तो तुम पर सिर्फ पैगाम पहुँचा दाने की ज़िम्मेदारी है आप सल असम से कहा जा रहा है कि आप इन पर दरोगा तो नहीं है आपका काम है सिर्फ़ पैगाम इन तक पहुँचा दिया जाए बस इतनी सी जिम्मेदारी है आगे अल्लाह ख़ुद अपने बंदों के मामला देखने वाला है क्योंकि हदायत उसी को मिलती है जो हदायत लेना चाहता है और कहाँ से पता चलता है हदायत कोई लेना चाहता है कि नहीं वो दिल से कि तलब है शौक़ है और तड़प है ये एक नबी को भी पता नहीं चल सकता कि अगले के दिल में क्या है सिर्फ़ अल्लाह दिलों के हाल जानता है यही वजह है कि अल्लाह उसके दिल को देखता है और उसके दिल के हिसाब से उसके साथ मामला करता है कहा जा रहा है आगे अल्लाह ख़ुद अपने बंदों के मामला देखने वाला है जो लोग अल्लाह के अहकबात और अल्लाह की हदायत को मानने से इनकार करते हैं और इसके पैगम्बरों को ना हक कत्ल करते हैं क्योंकि बनी इसराइल ने अपने पैगम्बरों को शहीद किया था और ऐसे लोगों की जान के दरपे हो जाते हैं जो खल के खुदाबे से अदल और हदायत का हुक्म देने के लिए उठें इनको दर्दनाक सज़ा की खुशखबरी सुरा दो ये वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आख़रत दोनों में ज़ाया हो गए यानी चाहे कितने बड़े बड़े बाहर नेकी के अमाल हों और इनका मददगार कोई नहीं है क्योंकि बश्क़ी ने बक्का समझते थे हम तो बहुत ही नेक हैं खाना क़बा के मतवली हैं देखभाल करते हैं हाजियों को पानी पिलाते हैं तो जन्नत में तो सिर्फ हम ही जाएंगे अलम तरा दी ना ऊ तू ना मिनल किताब तुमने देखा नहीं कि जिन लोगों को किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा मिला है उनका हाल क्या है उन्हें जब अल्लाह की किताब की तरफ़ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फ़ैसला करे तो उनमें से एक फरीक इससे पहलू तही करता है यानी किताब अगर मान भी जाता है तो इसका फ़ैसला नहीं मानता यानी कुरान से जो भी फ़ैसला किया जाए उसे कबूल नहीं करता और इस फ़ैसले की तरफ़ आने से मुंह फेर जाता है इनका ये तर्ज़ अबल है इस वजह से कि वो कहते हैं लंतमसन नारु अम मदूद दोजा की आग तो हमें छूएगी नहीं और अगर दोज़ा की सज़ा हमको मिले भी यानी छुएगी आग और मिलेगी तो भी बस चंद रोज़ा यानी आग ने हमें नहीं छूना अगर हमें अजाब में मिला यानी दो में डाला भी गया तो बस जितने दिन हमने बछड़े की पूजा की थी उतने ही दिन के लिए डाले जाएंगे ये इनका गलत अकीदा अगीद, था इसी गलत अकीदे की वजह से ये आख़रत की तैयारी नहीं करते थे और ख़ुद को बहुत ही अला और अफजल समझते थे उनके खुद अक़ीदों ने उनको अपने दीन के मामले में बड़ी गलत फहमी में डाल रखा है यानी तो बहुत ही धोखे में मुबला हो गए हैं बगर क्या बनेगा उन पर जब हम उन्हें उस रोज़ जमा करेंगे जिसका आना यकीनी है यानी उस दिन जब इन्हें बताया जाएगा कि अब तुम्हें आग में झोंका जाएगा तो ये ग़लत फहमी उस दिन दूर हो धोखे से उस दिन बाहर निकलें तो तो बहुत लेट हो जाएगा उस वक्त तो कोई वक्त नहीं बचेगा कि फिर आएँ और अमल करें ना ऐसा करने दिया जाएगा उस रोज़ हर शख़्स को उसकी कबाई का बदला पूरा, पूरा पूरा दे दिया जाएगा और किसी पर जुल्म ना होगा अब आयतबर छब्बीस और सत्ताईस में अल्लाह सुनाना ताली का बहुत ही खूबसूरत तारफ़ करवाया जा रहा है अला सुबह त किब्राई बड़ाई और शान जो है वह बताई जा रही है नजरान के वफदे ईमान लाने से इनकार कर दिया था क्योंकि उन्हें यह डर था कि ईमान लाने पर जो रूमी हुकूमत है वो उन्हें जो भी पैसा देती है और दीगर मरात और आसानियाँ देती है आसानियों के सामान जो उन्हें मिलते हैं मालो दौलत उनका क्या बनेगा यानी वो तो फिर हमें नहीं मिलेंगे लमाना ताली इन आयात में मुसलमानों के गलबे की तरफ़ इशारा फ़रमा रहे हैं यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे अहज़ाब के मौके पर रूम और रान के फ़तह होने की खुशखबरी जो है वो सुना दी थी कि ये मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाएंगे अहल किताब और काफ़रों ने मज़ाक भी उड़ाया था अल्लाह सुभान تعالی फरमा रहे हैं इन आयत में कि अल्लाह मालिक है जिसे चाहे बादशाही दे बादशाही देना तो अल्लाह का काम है ना कुलिल्लाहम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाउ व तजुल मुल्का मिम्मा तशाउ व तुइजु मन तशाउ व जिल्ल मुन तशाउ बि खैर इन्ना अला कुल्ली शयइन कदीर कहो ए खुदा मुल्क के मालिक तू जिसे चाहे हुकूमत दे और जिसे चाहे छीन ले यानी तू ही मालिक है सारी कायनात का सब कुछ तेरा है सारी कायनात पर तेरी बादशाही है तो जिसे चाहे इज़्ज़त बख्शे और जिसको चाहे जलील कर दे भलाई तेरे इख्तीार में है बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है रात को दिन में पुरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में यानी दिन रात अल्लाह लाता है जानदारों में से बेजान को निकालता है और बेजान में से जानदार को जैसे मुर्गी ज़िंदा है अंडा देती है अंडा बेजान है और फिर बेजान अंडे से चूजा निकल आता है जो कि ज़िंदा होता है और जिसे तू चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है इसकी एक और मिसाल ये है कि जाहिल के घर आलिम पैदा हो जाए और आलिम के घर जाहिल या मुर्दा कौम को हदायत मिल जाए लाइत खिदिल्मिन नलकाफ़ीना अलिया अमन दूनमुमिन एल ईमान को छोड़कर मोमिन काफ़रों को अपना रफ़ीक और दोस्त हरगिज़ ना बनाएं। यानी उनसे दिली दोस्ती ना रखें उनसे से राजो न्यास ना करें अल्लाह के दुश्मनों से दोस्ती रखने वाले का अल्लाह अहलता से कोई ताल्लुक नहीं होता कहा जा रहा है जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से फिर कोई ताल्लुक नहीं हाँ ये माफ़ है कि तुम उनके जुल्म से बचने के लिए बज़ाहिर ऐसा तर्ज़मल इख्तियार करो यानी जान बचाने के लिए ज़ाहरी तौर पर ख़तरों में दारत करनी पड़ जाए या उनको ये कहना पड़ जाए कि हाँ हम तो ईमान नहीं लाए यानी दिल में ईमान हो लेकिन ज़ुबान से आप इसलिए गलत बयानी करें ताकि वो आपकी जान ना लें तो ये किया जा सकता है मगर अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और तुम्हें उसी की तरफ पलट कर जाना है अल्लाह की नाराज़गी वाला डर होना चाहिए जैसा कि माँ से डरता है ना बच्चा कि मेरी माँ नाराज़ ना हो जाए तो वो काम नहीं करता जिससे माँ मना करती है और वो काम करता है जिससे माँ राजी होती है खुश होती है हमें भी अल्लाह सुबाना तआला की नाराज़गी से इसी तरह डरना चाहिए ए नबी लोगों को ख़बरदार कर दो कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे तुम छुपाओ या जाहिर करो अल्लाह हर हाल में उसे जानता है लिहाजा हमें भी ख़ुद को बदलना है और हर काम ये सोचते हुए करना है कि अल्लाह मुझे देख रहा है करामन कातबिन लिख रहे हैं और क्या के दिन सबके सामने ये पेश कर दिया जाएगा हो सकता है किसी फिल्म की तरह चल जाए और हज़रत आदम ले से लेकर आखिरी जो शख़्स क्या मैं से पहले पैदा होगा सबके सामने ये राज में राफशा हो जाएगा ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं है और उसका इकतदार हर चीज़ पर छाया हुआ है हर चीज़ पर हावी है वो दिन आने वाला है जब हर नफ्स अपने किए अमल का फल ज़रूर पाएगा यानी आख़रत में ख उसने भलाई की हो नेकी की हो या बुराई की हो कोई गुनाह किया हो उस रोज़ आदमी ये तमन्ना करेगा यानी उसकी ये हसरत होगी कि काश अभी यह दिन उससे बहुत दूर होता यानी मेरे आमाल और हिसाब में दूरी आ जाए अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और वो अपने बंदों का नहायत खैर ख्वा है अब बहुत ही खूबसरत आयत आ रही है कुल इन इनकुन तुम तो हिबुन फत यकफिर लकुम दोनों, बकुम व्ल गफ़ूरहीम ए नबी लोगों से कह दो कि अगर तुम हकीकत पे अल्लाह से महब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी इख्तियार करो यानी मेरा इतबा करो अल्लाह से महब्बत का सबूत यही है कि सुनतों पर अमल करो और अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो भी इतबा रसूल करना है और एक फ़ायदा और होगा अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और एक और फ़ायदा होगा और वो तुम्हारी ख़तें तुम्हारे गुनाह तुम्हारी कमी कुतियाँ माफ़ फरमा देगा तुम्हें दरकुज़र फरमा देगा वो बड़ा ही माफ़ करने वाला और अहम फरमाने वाला है उनसे कहो कि अल्लाह और रसूल की तात कबूल कर लो यहाँ जाहिर है नसारा से और फिर अह किताब से कहा जा रहा है ने मक्का सबसे कहा जा रहा है क्या मत तक के सब इंसानों से कहा जा रहा है जो ईमान नहीं लाते अल्लाह और सुल की तात नहीं करते फिर अगर वो तुम्हार तो ये दावत कबूल ना करें यानी ईमान ना लाए तो यकीन ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ऐसे लोगों से मुहबत करे जो उसकी और उसके रसूल की ता से इनकार करते हैं क्योंकि रसारा कहा करते थे उनका यह दावा था कि अल्लाह को हमसे बड़ी मोहब्बत है तो कहा जा रहा है ठीक है अल्लाह को तुमसे मोहब्बत है और तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो सबूत दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ और उनकी बात को भी मानो इतबा रसूल करो सुनतों पर अमल करो अगर ईमान नहीं लाओगे तो फिर ये तुम्हारी ग़लत फहमी है कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है अल्लाह ने यह उनको जवाब दे दिया यही जवाब दिया कि मैं तुमसे तभी मोहब्बत करूँगा जब तुम मेरे रसूल पर ईमान भी लाओगे और उसकी इताअत भी करोगे क्योंकि तुम अम्बिया की औलाद हो इसका यह मतलब तो नहीं है कि तुम इस वजह से जन्नत में जाओगे हाँ तुम्हारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि तुम सबसे पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और दूसरों के लिए अमली नमूना बनो जब तुम ऐसा करोगे इतबा रसूल करोगे तो अल्लाह तुमसे महब्बत करेगा क्योंकि महब्बत तो अमल से पता चलती है बातों के दावों से नहीं अब अगली आयत में भी नजरान के वफद और हिस्साइयों से ख़िताब है हज़रत हैतम के ख़ानदान का जिक्र हो रहा है हज़रत मरियम्सम फिर हज़रतसीम की वलादत का जिक्र होगा जिससे ये पता चलता है कि ये पूरा ख़ानदान तोद पर था और ये जो आयात हैं इनका आगाज़ आदम सलाम के ज़िक्र से हो रहा है उनका जिक्र इसलिए आया है कि देखो तुम कहते हो कि हज़रत हज़रतसी बगैर बाप के पैदा हुए इसलिए वो अल्लाह के बेटे हैं तो हज़रत आदम आदमी के बारे में क्या ख़्याल है वो तो माँ बाप दोनों के बग़ैर पैदा हुए थे फिर मज़ीद बताया जा रहा है कि सारे जो हैं ना वो एक ही सिलसिले की कड़ी हैं सब तो पर हैं एक ही लड़ी के मनतखब मोती हैं ये दीन जो है कोई नया दीन नहीं है दीन इस्लाम जो है आदम इस्लाम और तमाम अम्बिया कराम का यही दीन था सब तो पर थे सब का दीन तोहद था यानी सब दीन तोहद लाए थे

दोनों में से कोई भी मुराद है दोनों के नाम इमरान थे ये एक सिलसिले के लोग थे जो एक दूसरे की नस्ल से पैदा हुए थे अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है वो उस वक्त सुन रहा था जब मरीम की औरत यानी हज़रत मियम की वालदा जो कि बहुत ही नेक औरत थी, वो कह रही थी रबी इन्नी नजर तो लकमा फ़ी बतनी महर्र फ्बल मन्नी इन्नक तस्मियम ए मेरे रब मैं इस बच्चे को जो मेरे पेट में है तेरी नज़र करती हूँ यानी हैकल में तेरी इबादत के लिए वक्फ़ करती हूँ इस पर घर की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी वो तेरे ही काम के लिए वक्फ़ होगा मेरी इस पेशकश को कबूल फरमा ले तो सुनने और जानने वाला है फिर जब बच्ची उसके यहाँ पैदा हुई तो उसने कहा मालिक मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हो गई है क्योंकि हैकल में लड़की कबूल नहीं होती थी कहने लगी ये क्या हुआ हालांकि जो कुछ उसने पैदा किया था अल्लाह को उसकी खबर थी और लड़का लड़की की तरह नहीं होता यानी अल्लाह को पता था कि मैंने जो काम लेना है उसके लिए तो लड़की चाहिए व इन्नी समय हा मरियमी वीदू हा बिकाबाद रैता हा मिनश तो खैर मैंने उसका नाम मरियम रख दिया है और बै उसे और उसकी आइंदा नस्ल को शैतान मरदूत के फ़तने से तेरी पनाह में देती हूँ आखिरकार उसके रब ने इस लड़की को बुशी कबूल फरमा लिया उसे बड़ी अच्छी लड़की बना कर उठाया और जकरिया को उसका सरपरस्त बना दिया यानी यहाँ यही बताया जा रहा है कि बच्चा होने से बहुत पहले हमें दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह उसको भी और हमारी आने वाली सारी नस्ल को शैतान के वार से बचाए उससे अपनी पनाह में रखे उसके वसवसों से और उसकी चालों से अल्लाह तआला ने मरियम्लामाम की अच्छी तरबियत के लिए जक्रियाँ को उसका सरपरस्त बनाया वो मरियम के खालू भी थे नबी भी थे और हैकल के सबसे बड़े वो मुजावर थे जक्री अलैहिस्सलाम जब कभी उसके पास यानी मरियम के पास महराब में उसके हजरे में जाते तो उसके पास कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान पाते कहा जाता है बेमौसमी मौसमी फल हुआ करते थे और फिर इल्म और हकमत की बातें भी वो करती थीं तो उन्होंने पूछा या मरियम अन्ना लकी हादा क़ालत हुआ मिन यरज़ुकु मन यशाउ बरी हिसाब मरियम ये तुम्हारे पास कहाँ से आया यानी ये बेमौसमी फल और ये सारी जो खाने पीने का सामान है और इल्म और हिकमत की बातें कहाँ से आईं वो जवाब देती अल्लाह के पास से आया है अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है ये हाल देखकर ज़करियालाम ने अपने रब को पुकारा रबी हबली मिल्ला दू का दुर्रियता तो बतन इन् ए मेरे रब अपनी कुदरत मुझे देख औलाद अता कर तू ही दुआ सुला हैज़र ज़करियालाम बूढ़े थे उनकी बीवी भी बाँज थी जब मरीम असल्लाम को देख कर सोचा उन्होंने कि रब इनको बेमौसमी फल और रिस्क दे सकता है इल्म और हिकमत दे सकता है तो मुझे इस बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं दे सकता लिहाजा उन्होंने अल्लाह सुबहाना ताली से ख़ुद दुआ की मरीम से नहीं कहा कि मेरे लिए दुआ करो बल्कि ख़ुद अल्लाह से कहा यहाँ हमारे लिए भी अमल की ये चीज़ निकलती है कि हमने किसी कबर वाले से जाके नहीं दुआ मांगनी किसी पिर फ़कीर से ये नहीं कहना कि तुम मुझे औलाद दे दो मुझे रोज़गार दे दो या मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो किससे कहना है अल्लाह सुबहाना तला से जो में फ़रिश्तों ने आवाज़ दी यानी फ़रिश्तों ने पुकारा जबकि वो महराब में खड़ा नमाज पढ़ रहा था कि अल्लाह तुझे यहाँ की खुशखबरी देता है वो अल्लाह की तरफ़ से एक फरमान की तस्दीक करने वाला बन कर आएगा यानि सलाम की तस्दीक करेगा इसमें सरदारी और बुज़ुर्गी की शान होगी न होगा कमाल दर्जे का जबित यानी सबक करने वाला होगा नबू से सरफराज होगा और सालिहीन में से नेक लोगों में उसका शुमार किया जाएगा ज़क़रिया जक्रिया ने कहा ए मेरे रब भला मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी बाझ है जो आप मिला अल्लाह सुबहाना तला ने या फ़रिश्तों ने जवाब दिया ऐसा ही होगा अल्लाह जो चाहता है करता है यानी इसबाब अल्लाह के मोहताज हैं अल्लाह किसी का मोहताज नहीं अर्ज़ किया मालिक फिर कोई निशानी मेरे लिए मुकर फरमा दे यानी कोई ऐसी निशानी दिखा ताकि दिल को यक़ीन हो जाए कि ये कलाम तेरी तरफ़ से है और फिर तो यकीनन मेरे हाँ औलाद होगी कहा अल्लाह कहाता ने निशानी ये है कि तुम तीन दिन तक लोगों से इशारे के सिवा कोई बातचीत ना करोगे यानी तुम्हारी बोलने की जो क़ुत है वो सलब कर ली जाएगी इस दौरान में अपने रब को बहुत याद करना और सुबह शाम उसकी तस्वीर करते रहना हमारे यहाँ फ़जर और असर के अजकार होते हैं उनके यहाँ भी सुबह शाम की तस्वीर करने को कहा जा रहा है और दूसरी बात यहाँ से ये यह पता चलती है जब अल्लाह हमें कोई नेमत दे तो हमें मज़ीद हमदसना करनी चाहिए तस्वीर करनी चाहिए सदका खरात करना चाहिए अपने अंदर मज़ीद आर्जी और नरमी लेकर आना चाहिए व इतलम कत मरियमल्लास्तफ़ा की व तहरा की वतफ़ा की अला नसालाम फिर वो वक्त आया जब मरियम से फरिश्तों आकर कहा ए मरियम अल्लाह ने तुझे चुन लिया है और पाकिज की अता की है और तमाम दुनिया की औरतों पर तुझको तरजीह दी है और तुम्हें तरजीह देकर कर फोकियत देकर अपनी ख़िदमत के लिए चुन लिया है अब एक और मोर्ज़े का ज़िक्र आ रहा है ए मरियम अपने रब की ताब फ़रमान बन जा, यानी रब की ताद कर उसके आगे सजदा कर और जो बंदे उसके हजूर झुकने वाले हैं उनके साथ तू भी झुक जा यानी नबास बाजबात जबात बेषर्क हो जा और आर्जी इख्तियार कर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह फ़रमा रहे हैं ये गैब की खबरें हैं ए मोहम्मद जो हम तुमको वही के ज़रिए बता रहे हैं वरना तुम उस वक्त वहाँ मौजूद तो ना थे जब हैकल के हादम ये फ़ैसला करने के लिए कि मरीम का सरप्रस्त कौन होगा अपने अपने कलम फेंक रहे थे यानी क़ुरानंदाज़ी कर रहे थे और ना तुम उस वक्त हाजिर थे जब उनके दरमियान झगड़ा हो रहा था यानी हर एक जो है उसकी यही कोशिश थी उसकी यही यही उसका शौक़ था यही उसका इरादा था कि मरीम की कफालत मैं करूं। और ये आयत इस बात की भी दलील है कि हज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ैब इल्म नहीं था और वो अल्लाह के सच्चे नबी थे अब मरियम से बर रास्त खिताब है और जफरिश्तों ने कहा ए मरियम अल्लाह तुझे अपने एक फरमान की खुशखबरी देता है उसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा दुनिया और आख़रत में मोजस होगा अल्लाह के मुकरब बंदों में शुमार किया जाएगा व युकलीमासा फिल्मी व कहलम व मिनस सौन लोगों से गहवारे में यानी पंगूड़े में कलाम करेगा और बड़ी उम्र को पहुँच कर भी वो एक मर्द साले होगा यानी नेक इंसान होगा ये सुनकर मरियम बोली, ए मेरे रब मेरे हाँ बच्चा कहाँ से होगा मुझे तो किसी शख्स ने छुआ तक नहीं हाथ नहीं लगाया यानी उन्हें बहुत ही हैरत हुई गमज़दा हो गई कि शादी तो हुई नहीं बच्चा हो जाएगा तो लोग क्या क्या बातें करेंगे जुआ मिला ऐसा ही होगा अल्लाह जो चाहता है वो करके रहता है और अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है अल्लाह को इसबाप की ज़रूरत नहीं है कि बाप ज़रूर हो तो ही बच्चा होगा वह जब किसी काम करने का फ़ैसला फरमाता है तो बस कहता है न फैयाकन हो जा तो वो काम हो जाता है फरिश्तों ने फिर अपने सिलसिला कलाम को जारी रखा और वो कहते हैं और अल्लाह उसे किताब और हकमत की तालीम देगा तो रात और अंजील का इल्म सिखाएगा और बनी इसराइल की तरफ अपना रसूल मुकर करेगा यहाँ पे हज़रत याम के बारे में नबी का लफ्ज़ आया है ना जबकि हज़रत ईसा आलाम के लिए आया है रसूलासराइल हज़रत नबी थे इसलिए वो शहीद कर दिए गए जबकि हज़रतसी रसूल थे और रसूल कत्ल नहीं किए जा सकते इसीलिए कोबा त ने ज़िंदा उठा लिया था और देखें दूसरी बात हज़रतसीम के लिए आया है इला बनी बनी बन इसराइल यानि सिरफ़ बन इसराइल की तरफ़ वो रसूल बन आए थे यानि हिसाइयों के लिए सिर्फ नहीं आए थे बल्कि बनी इसराइल यहूदों नसारा के लिए आए थे दोनों के लिए लेकिन बनी इसराइल में से जो हजरत सलाम पर ईमान लाए वो ईसाई के लाए और जो ना लाए वो यहूद के लाए जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे नहीं आता वो क्या तक के लोगों के लिए रसूल बनकर आए हैं क्योंकि हज़त ईसीम की तलीमत सब इंसानों के लिए नहीं थी, क्या मत तक के लोगों के लिए नहीं थी, वो इस मकसद के लिए नहीं आए थे वो सिर्फ इसराइल के लिए आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो यही है कि उनकी तलीमत जो हैं वो क्या मत तक के लिए हैं अब हज़रतम के मुआज़ा का ज़िक्र आ रहा है और जब हज़रतसी बसियत रसूल बनी इसराइल के पास आए तो उसने कहा मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ तिब का दौर था इसलिए निशानियाँ भी तिब से मुतलिक थी मैं तुम्हारे सामने मट्टी से परिंदे की सूरत का एक मुजस्मा बनाता हूँ और उस पर फूँक मारता हूँ वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है यानी उड़ जाता है मैं अल्लाह के हुक्म से मादरज़ाद अंधे और कोड़ी को अच्छा करता हूँ यानी मेरा कोई कमाल नहीं है ये सब मैं अल्लाह के हुक्म से करता हूँ और मुर्दे को ज़िंदा करता हूँ भी इज़न अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या खाते हो और क्या अपने घरों में जख़ीरा करके आते हो यानी क्या रखाते हो इसमें तुम्हारे लिए काफ़ी निशानी है अगर तुम ईमान लाने वाले हो यानी अपने होने की तस्दीक कर रहे हैं और मैं उस तालीम और उस हदायत की तस्दीक करने वाला बन कर आया हूँ जो तौरात में से उस वक्त मेरे ज़माने में मौजूद है यानी तौरात में जो कुछ इस वक्त मौजूद है मैं उस सब की तस्दीक करने आया हूँ कि क्या इसमें इन्होंने तब्दीलियाँ कर ली हैं और क्या जो है वो असल है और जो इन्होंने तब्दील कर लिया है उसकी असल हकीकत क्या है वो भी बताने आया हूँ यही मुराद से वली उदल बरमाकुम वजुम बया तम فَاتَّقُوا اللَّهَ फ़त <وَعْتِيُن> और इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे लिए बस उन चीज़ों को हलाल कर दूँ जो तुम पर हराम कर दी गए हैं यानी ये क्या चीज़ें थीं कुछ चीज़ें खुद से ही बने इसराइल ने हराम कर ली थी जैसे सब के हुक्म में बनी इसराइल ने गुभ कर लिया था कि बीमार की ये आदत भी नहीं कर रही जबकि ऐसा नहीं कहा गया था कहते थे ये भी तो काम है दुनिया का देखो मै तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी ताद करो अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी लिहाजा तुम उसी की बंदगी इख्तियार करो यही सीधा रास्ता है यानी यही रास्ता जन्नत को जाता है ईसा मसी मीनू मकुफ़र जब ईसा ने महसूस किया कि बन इसराइल कुफर और इनकार पर आमादा हैं यानी उन्होंने देखा कि यहूद शदीद मुखालफत पर उतर आए हैं और ईसीम की जान लेने के लिए मुख्तफ़ किस्म की साजिशें कर रहे हैं चाले चल रहे हैं तो उन्हें महसूस हुआ कि दीन के काम के लिए अब उनके कुछ मददगार होने चाहिए लिहाजा उन्होंने कहा मन आ सॉरी कौन अल्लाह की राह में मेरा मददगार बनेगा क़ल हवारी युना नह सार्ला ने जवाब दिया हम अल्लाह के मददगार हैं आमन्ना बिल्ला ही व शहद हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं गवाह रहो कि हम मुसलमान हैं अल्लाह के आगे हम सर तस्लीम ख़ाम करते हैं यानी सर झुकाने वाले हैं फिर वो कहने लगे ए हमारे रब जो फरमान तू ने नाजिल किया है हमने उसे मान लिया और रसूल की पैरवी कबूल कर ली फ्तुबन माशाह दिन हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले इस तरह हज़रतम की आवाज़ पर इन चंद हवारी ने इसराइली ने लबै कही हज़रत ईसीाम पर ये ईमान भी ले आए और इनकी तस्दीक की और पूरी तरह तायद के लिए मदद के लिए तैयार हो गए और इस नूर की इतात में लग गए जो अल्ला ने इन पर उतारा था ईसी आलाम पर यानी अंजील पर ये लोग एक रवायत है कि धोबी थे और हवारी ने इनके कपड़ों की सफेदी की वजह से कहा जाता था बास कहते हैं ये शिकारी थे और सही बुखारी और मुस्लिम में है कि इन्हें हवारी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मददगार थे जैसा कि बुखारी और मुस्लिम में है कि जंग खंदक के मौके पर सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कोई जो सीना सुपर हो जाए यानी मेरी मदद करे इस आवाज़ को सुनते ही हजर ज़ुबैर रज़ी तैयार हो गए आप अलैहि वसल्लम ने दोबारा यही फ़रमाया फिर भी हज़रत ज़ुबैर ऱी अन्हु ने क़दम जो है वो आगे बढ़ाया वही आगे बढ़कर आए बस हजूर अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हर नबी के हवारी होते हैं यानी मददगार होते हैं और मेरा हवारी ज़ुबैर है रज़ी अन्हु फिर यहाँ कहा गया है कि फ़क्तुबना मा शाहिदीन हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले इससे बरात हज़रत इबन इब्बास रज़ी अल्लाह के नज़दीक उमत महम्दिया है यानी हमारा नाम उनके साथ लिख ले वम कर वम फिर बने इसराइल हज़रतम के ख़िलाफ़ खुफ़िया तदाबीर करने लगे जवाब में अल्लाह ने भी खुफ़िया तदबीर की और ऐसी तदबीरों में अल्ला सबसे बढ़ है और अल्लाह की खुफ़िया तदबीर ही थी जब उसने कहा कि अ ईसा अब मैं तुझे वापस ले लूँगा कहा जाता है कि उस वक्त हुकूमत जो है वो रूमियों की थी यहूदियों की नहीं थी यहूदी उल्मा जो हैं वो रूमियों से फैसले करवाते थे लिहाजा वो चाले चलने लगे इल्ज़ाम लगाने लगे सतीसम को और बिल उन्होंने सूली पर इनको चढ़ाने की जो थी वो पेशकश रख दी और कबूल भी करवा ली उनको राज़ी भी कर लिया तो अल्लाह अला ने कहा कि मैं अः ईसी तुझे वापस ले लूँगा यानी पूरे का पूरा ले लूँगा रूह और जिसम के साथ ऊपर उठा लूँगा यहाँ है मुतवफ़ी का यानि अला सन्ना कह रहे हैं कि असी मैं तुझको तुम्हारे जिसम और रूह के साथ अपने पास ऊपर उठा लूँगा और जिन्होंने तुम्हारा इनकार किया है उनसे यानि उनके साथ से और उनके गंदे माहौल से मैं तुम्हें पाक कर दूंगा, यानी आसमानों पर अपनी तरफ़ उठाकर इन अपा काफ़रों से और इनके गंदे माहौल से तुम्हें आज़ाद करने वाला हूँ इनकी लगाईगी तोह से पाक करने वाला हूँ और तेरी पैरवी करने वालों को क्या मत तक इन लोगों पर बाला दस्त रखूँगा जिन्होंने तेरा इनकार किया है यहाँ यही कहा जा रहा है कि ये जो यहूदी हैं जो ईसीम तुम पर ईमान नहीं लाए इन्हें मैं क्यामत तक तुम से कम हैसियत रखूँगा यानी ईसाइयों से कहा जा रहा है कि इन यहूदियों पर तुम्हें हमेशा क्यामत तक बाला दस्त रखूँगा हज़रतसी पैंतीस बरस के थे थर्टी थ्री साल के थे जब उठाए गए सत्तरवीं ईस्वी में हैकल सुलेमानी तबाह कर दिया गया था अभी तक इनका ये जो काबा है गिरा हुआ है सत्तरवीं सेवनटी ईस्वी में हैकल सुलेमानी जो है वो तबाह हुआ टीटस ने एक दिन में एक लाख तैंतीस हज़ार यहूदियों को क़त्ल किया फिर ये फलस्तीन से निकाल दिए गए तुर्कों ने भी आबाद होने की इनको इजाज़त ना दी हिटलर ने भी गैस चैम्बर में इनको ख़ूब हला किया नाइनटीन सेवनटीन में इंग्लैंड से इजाज़त लेकर फिलिस्तीन में इन्होंने जायदादें खरीदी धोखे से और इलाके पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया नाइनटीन फोटी एट में इकतीस साल बाद अपनी रियासत इन्होंने ज़बरदस्ती बनानी शुरू कर दी और से वजूद में ले आए आज कल ये सारी दुनिया में हैं तो मुट्ठी भर लेकिन बहुत ही ये इकॉनमी के हिसाब से बहुत आगे जा रहे हैं दोबारा इसराइल में इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं और आज भी इन्हें हिसाइयों की मदद जो है वो दरकार होती है ईसाई आज भी इनके ऊपर हैं और क्या तक रहेंगे क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया है और अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है

और वो कोई मददगार ना पाएंगे और जिन्होंने ईमान लाकर नेक अमल किए उन्हें उनके अजर पूरे पूरे दिए जाएंगे और ख़ूब जान लो कि जालिमों से अल्लाह हरगज़ महब्बत नहीं करता ये आयात और हिकमत से लबरेज़ तस्करे नसीहतें हैं जो हम तुम्हें सुना रहे हैं अल्लाह के नज़दीक ईसीम की मिसाल आदम की सी है कि अल्लाह ने उसे मट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया उसे कुन फयकुन हो जा तो वो हो गया यहाँ यही बताया जा रहा है कि ईसा अल्लाम बाप के बगैर पैदा हुए हैं माँ तो है ना इनकी तो ये कैसे अल्लाह के बेटे हो गए जब आदम असल्लाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं हालांकि उनके तो माँ बाप दोनों ही नहीं थे वो तो उनके बग़ैर पैदा हुए थे लिहाजा ये इनका कहना ग़लत है फिर कहा जा रहा है अलक्म रब्बी का फ़ला तकमतरीन ये असल हकीकत है जो तुम्हारे रब की तरफ से बताई जा रही है और तुम उन लोगों में शामिल ना हो जो इसमें शक करते हैं नजरान से सत्तर लोगों का वफ़द आया था कई दिन जिद की वजह से अपनी बात पर अड़ा रहा तो फिर मुबाहला करने का हुक्म आया उसका भी जिक्र आ रहा है अब अगली आयत आयत नंबर सिक्सटी वन आयतें मुबाहला कहलाती है मुबाहला दो फरीकों का एक दूसरे पर लानत करना और बद दुआ करना होता है मुबाहला तब किया जाता है जब दो फरीक किसी मामले के हक या बातिल होने में अख्तलाफ और झगड़ा करें एक कहे ये बात हक है दूसरा कहे नहीं ये तो बातिल है दलाइल से भी एक दूसरे से वो मुतफक ना हो तो दोनों फरीक अल्लाह से दुआ करते हैं कि या हम दोनों में से जो झूठा है उस पर तेरी लानत हो नजरान का वफद ईमान ना लाया और मोहम्मद अलैहि वसल्लम से बहस करने लगा और मुनाजरा करने लगा हज़रतसी के बारे में वो अपने ग़लत जो अक़ायद थे उनके उस पर रहा अपने कायद पर तो ये आयत नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाह की दावत दी उन्हें नजत का वफ़द जो था अल्लाह केबसे से डर गया और मुबाह के लिए ना आया और जज़िया देने पर वो राज़ी हो गया फ़मन हा जका फ़ी हिम बा अकमिन फ़कुल तलो नदो अबना अना व अबना अकुम व नस अना व नस अ़ुम व अन फुसना व अन फुसकुम तुम्मा नबत फनजाना कादी बिन ये इल्म आ जाने के बाद अब जो कोई इस मामले में तुम से झगड़ा करे तो ए मोहम्मद इनसे कहो कि आओ हम और तुम खुद भी आ जाए और अपने अपने बाल बच्चों को भी ले आएँ और अल्लाह से दुआ करें कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो ये बिल्कुल सही वाक़ हैं और हकीकत ये है कि अल्लाह के अलावा कोई ला नहीं है और वो अल्लाह ही की हस्ती है जिसकी ताकत सबसे बाला और जिसकी हमत निज़ाम आलम में कार फरमा है यानी वही सारा निज़ाम चला रहा है बस अगर ये लोग इस शर्त पर मुकाबले में आने से मुंह मोड़ें तो उनका मुफसद होना बातिल होना साफ़ खुल जाएगा और अल्लाह तो फसाद करने वालों को जानता है लिहाजा नजरान का पूरा वफ़द जो है वो वापस चला गया कहा जा रहा है कुलिया ललकिता किता बीता कलिमा सवा कहो ए एल किताब आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हबारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है अब यहूदों ने सारा दोनों से सा खिताब है ये है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करें कहा जा रहा है ना कि इख्ती बातें नहीं करनी चाहिए बल्कि क्या करो जो बातें दोनों में यकसा है वो करो वो क्या है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करें हम और तुम उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब ना बनाए यानी जैसे पॉप को रब बना लिया है उसके हराम हलाल को ये मानते हैं जबकि ये सिर्फ़ अल्लाह का हक़ है अल्लाह ने किसी नबी को भी हराम हलाल गुस्से करने का हक़ नहीं दिया इस दावत को कबूल करने से अगर वह मुँह मोड़े तो साफ़ कह दो कि गवाह रहो हम तो मुसलमान हैं सिर्फ़ अल्लाह की बंदगी और इतात करने वाले हैं यानी आप गवा रहें कि हम तो मुसलमान हैं एहल किताब तुम इब्राहीम इब्राहिम के बारे में हमसे क्यों झगड़ा करते हो तो रात और अंजील तो इब्राहीम्लाम के बाद ही नाजिल हुई हैं यानी तुमने जो अपने आप को हिसाई और यहूदी के नाम दे रखे हैं ये तो किताबें तब थी नहीं कोई वजूद नहीं था ना यहूद का ना नसारा का ये दोनों किताबें इब्राहिम के बहुत बाद में नाजिल हुई फिर क्या तुम इतनी सी बात भी नहीं समझते तुम लोग जिन चीज़ों का इल्म रखते हो उनमें तो खूब ऐसे कर चुके हो अब इन मामलों में क्यों बहस करने चले हो जिनका तुम्हारे पास कुछ भी इल्म नहीं यानी कोई बुनियाद नहीं तुम्हें पता है कि यहूदी और ईसाई ये तो बाद में बनाए गए अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते माँ मा का ना इब्राहिम यहूदी यम वला न इब्राहिम इस्लाम ना यहूदी थे ना ईसाई बल्कि वो तो एक मुस्लिम यकसू थे वाला किन का ना मुस्लिम व माँ का ना मिनलमशरक यानी वो बिल्कुल यकसू मुसलमान थे और वो हरगिज़ शिर करने वाले ना थे मुशरिकों में से नहीं थे इब्राहिम से नस्पत रखने का सबसे ज़्यादा हक़ अगर किसी को पहुँचता है तो उन लोगों को पहुँचता है जिन्होंने उसकी पैरवी की यानी जो तौहीद पर थे इब्राहीम की तरह और ये नबी यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके मानने वाले इस नस्बत से ज़्यादा हक़दार हैं यानी हज़रत इब्राहिम सब्राहीम के ढाई हज़ार साल बाद आए लेकिन मुसलमान इब्राहिम इब्राहीम की पैरवी करते हैं उनके तरीक़े पर हैं तो पर हैं मिलत इब्राहिम पर हैं अल्लाह सिर्फ उन्हीं का हामी और मददगार है जो ईमान रखते हैं ए ईमान वालों अहल किताब में से एक चाहता है कि किसी तरह तुम्हें हदाय से हटा दे यानी मरत कर दे हालांकि दर हकीकत वो अपने सिवा किसी को गुमराही में नहीं डाल रहे यानी अपना ही नुकसान कर रहे हैं बगैर उन्हें इसका शौर नहीं है यानी अपनी दुनिया और आख़रत दोनों बर्बाद कर रहे हैं हकीर वक्ती फ़ायदों की खातिर ए किताब क्यों अल्लाह की आयात का इनकार करते हो हालांकि तुम खुद इनका मुशाह कर रहे हो यानी तुम तो पढ़ रहे हो इन किताबों को या अहल किताबी लिमा तल बन बिलबा तिली व तक तुम अल हक वन तुम एह किताब क्यों हक को बातल का रंग चढ़ा कर मुशतबा करते हो क्यों जानते भूजते हक़ को छुपाते हो यानी तुम्हारी किताबों में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूत की निशानियां मौजूद हैं कुरान का तुम्हें पता है कि आखिरी किताब होगी किबले का पता है कि वो आखिरी किबला होगा खाना काबा तो फिर क्यों हक़ छुपाते हो तुम तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटों की तरह पहचानते हो अहले किताब से एक ग्रोह कहता है कि इस नबी के मानने वालों पर जो कुछ नाजिल हुआ है यानी क़ुरान पर ईमान ले आओ मोहम्मद अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ सुबह ईमान लाओ और शाम को इससे इनकार कर दो यानी मरतद हो जाओ शायद इस तरकीब से ये लोग अपने ईमान से फिर जाएं ये एक साजिश थी साजिश ये थी कि मुसलमान जो है वो तो मर्तद नहीं होता तो कहा जा रहा है कि इन्होंने आपस में कहा कि ऐसा करते हैं सुबह को ईमान ले आएंगे और शाम को कहेंगे हमने तो कोई खैर नहीं देखी ये तो सही मज़हब ही नहीं है तो इस तरह से जो लोग ईमान ले आए हैं या लाना चाह रहे हैं तो वो मुर्तद हो जाएंगे या जो लाने वाले हैं वो नई ईमान लाएंगे नीज़ ये लोग आप इसमें कहते हैं कि अपने मज़ब वाले के अलावा किसी की बात ना मानो ए नबी इनसे कह दो कि असल में हदायत तो अल्लाह की हदायत है और ये उसी की देन है कि किसी को वही कुछ दे दिया जाए जो कभी तुमको दिया गया था यानी बनी इसराइल को पहले नबूत मिली थी किताबें मिली थी आसमानी लेकिन अब सब कुछ बनी इसमाइल में चला गया या ये कि दूसरों को तुम्हारे रब के हजूर पेश करने के लिए तुम्हारे ख़िलाफ़ कवि हजरत मिल जाए ए नबी इनसे कह, कह दो कि फ़ज़ल और शर्फ अल्लाह के اختیار में है یعنی अल्लाह जिसे चाहे अपना फजल दे दे नबूवत दे दे जिसे चाहे इज़्ज़त दे दे जिसे चाहे ये वो वसीउल उल नज़र है वो सबको जानता है अपनी रहमत के लिए जिसको चाहता है मखसूस कर लेता है और उसका फजल बहुत ही बड़ा है अहले किताब कोई तो ऐसा है अगर तुम उसके एतमाद पर माल दौलत का एक ढेर भी दे दो तो वो तुम्हारा माल तुम्हें अदा कर देगा अब बताया जा रहा है कि अहले किताब में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हैं अल्लाह के कलाम में एक तो है कहा जा रहा है कुछ तो बहुत ही ईमानदार हैं उनको ढेरों माल भी दिया जाए तो वह ख़यानत नहीं करेंगे और किसी का हाल ये है कि अगर तुम एक दिनार के मामले में भी उस पर भरोसा करो तो वो अदा ना करेगा यानी वो वापस नहीं लौटाएगा अल्लाे कि तुम उसके सर पर सवार हो जाओ यानी कुछ ख़ैनतकार हैं और कुछ ईमानदार हैं उनकी इस अखलाकी हालत का सबब यह है कि वो कहते हैं कि उम्रों के मामले में हमसे कोई मुआवसा नहीं होगा यानी जो अनपढ़ हैं मशरक़ों का जिक्र हो रहा है जो गैर यहूदी हैं इनके साथ कोई भी जुल्म कर लो कोई भी ख्यात कर लो कोई भी ज़्यादी कर लो कोई पकड़ नहीं होगी ये तलमूद में है जो उन्होंने ख़ुद से लिखी थी और ये बात वो महज झूठ गढ़कर अल्लाह की तरफ़ मंसूब करते हैं यानी अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा हालांकि उन्हें मालूम है यानी उनके जानते हैं कि ये मन घड़त है कि अल्लाह ने ऐसी कोई बात नहीं फरमाई है आखिर क्यों उनसे बस ना होगी जो भी अपने अहद को पूरा करेगा और बुचाई बुराई से बच कर रहेगा वो अल्लाह का महबूब बनेगा क्योंकि परहेज़गार लोग अल्लाह को पसंद हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है रहे वो लोग जो अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं यानी दुनिया के फ़ायदे की खातिर अपना ईमान पेश देते हैं तो उनके लिए आखरत में कोई हिस्सा नहीं अल्लाह के आमद के रोज़ उन बात ना करेगा और ना ही उनकी तरफ़ देखेगा और ना ही उन्हें पा करेगा यानी ऐसा नहीं है कि वो एक ख़ास वक्त तक अज़ाब भुगतें फिर पाक होकर जन्नत में आ जाएं, बल्कि उनके लिए तो सख्त दर्दनाक सज़ा है ये मजमून बकरा में भी आ चुका है व इन न मिन हम लफरीबु न अलसना तहम बिल के मिनल किताब व माँ हुआ मिनल के ताबी व यक़ूलुना हुआ मिन दिल व माँ हुआ दिल्ला वकद वह यालामुन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हुए इस तरह ज़ुबान का उल्ट पेर करते हैं यानी ज़ुबान मरोड़ देते हैं कि तुम समझो जो कुछ वो पढ़ रहे हैं वो किताब ही की इबारत है जैसा कि हित तुन को हिन्ता कहते थे यानी अल्लाह से मफरत की दुआ मांगनी थी हितुन कह के लेकिन क्या कहने लगे कि हमें गंदम चाहिए हिन्ता इसी तरह रायना के हमारी रियायत कीजिए यह कहने के बजाय कहते थे राइना के हमारे गुदड़िए हालांकि वो किताब की इबारत नहीं होती वो कहते हैं कि ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से है हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता वो जान बूझ झूठ बात अल्लाह की तरफ़ मनसूब कर देते हैं यानी उनकी ज़रूरत और दिलरी का जिक्र हो रहा है यानी ज़रा भी इनको हया नहीं थी कोई शर्म लिहाज़ नहीं था अल्लाह पर खुला खुला झूठ गढ़ते थे ईसाइयों की तरफ इशारा है किसी इंसान का ये काम नहीं है कि अल्लाह तो उसको किताब और हमत और नबूत अता फरमाए और वो लोगों से कहे कि अल्लाह की बजाय तुम तो मेरे बंदे बन जाओ किसी के हलाल हराम को मानना उसे रब बनाना होता है जैसे पहले बात हुई ना अपने जो भी मज़बी पेशवा थे वो जो हलाल हराम ख़ुद से करते थे ये उसको मान लेते थे वो तो यही कहेगा कि सच्चा रबानी बनो यानी रब वाले बनो जैसा कि इस किताब की तालीम का तकाज़ा है जिसे तुम पढ़ते और पढ़ाते हो यानी चाहिए तो था कि लोगों को अल्लाह से जोड़ो रब से जोड़ो रब वाला बनाओ वो तुमसे हर हरगज़ ये ना कहेगा कि फ़रिश्तों को या पैगम्बरों को अपना रब बना लो क्या ये मुमकिन है कि एक नबी तुम्हें कुफर का हुक्म दे जबकि तुम मुसलमान हो बुखारी किताबुल तोहीद में है कि ये लोग तहरीफ और अजाला कर देते थे मखलूक में ऐसा तो कोई नहीं जो अल्लाह की किसी किताब का कोई लफ्ज़ बदल दे मगर ये लोग बेजा तहरीफ और तावील करते थे व इद्ला नबीना लमा आती तो किताबी व हकम याद करो अल्लाह ने से अहद लिया था कि आज हमने तुम्हें किताब और हकमत और दानिश से नवाज़ा है कल अगर कोई दूसरा रसूल तुम्हारे पास इसी तालीम की तस्दीक करता हुआ आए जो पहले से तुम्हारे पास मौजूद है तो तुमको उस पर ईमान लाना होगा और उसकी मदद करनी होगी तो रात में था कि अब जो आखिरी नबी आएगा उस पर तुमने ईमान लाना है और उसकी मदद करनी है हर नबी ने अपनी उम्मत को महम्मद सल्ला वम पर ईमान लाने को कहा था ये अरसाद फरमा कर अल्लाह ने पूछा क्या तुम इसका इकरार करते हो और इस पर मेरी तरफ़ से अहद की भारी ज़िम्मेदारी उठाते हो होद अलस्त का ज़िक्र है उन्होंने कहा हाँ हम इकरार करते हैं अल्लाह ने फरमाया अच्छा तो गंवा रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ इसके बाद जो अपने अहद से फिर जाए वही फासिक है सरकश है हदे तोड़ने वाला है अफाई रादीन लाफगोन अब क्या ये लोग अल्लाह की इताद का तरीक़ा यानि अल्लाह का दीन छोड़ कर कोई और तरीका चाहते हैं कोई और तरीक़ा अख्तियार करना चाहते हैं किसी और दिन पर ईमान लाना चाहते हैं वल्हू असलमा फिसम वाति वर्दी तउम व करहा वही जाऊन हालाँकि आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ें चारों नाचार अल्लाह ही की ताब फ़रमान हैं यानी अल्लाह ही की तात कर रही हैं मुसलमान हैं और उसी की तरफ सब को पलटना है ए नबी कहो कि हम अल्लाह को मानते हैं उस तालीम को मानते हैं जो हम पर नाजिल की गई है उन तालीमात को भी मानते हैं जो इब्राहीम इस्माईसल्लामाम इसहाक़ा इस्लाम याकूब आलामाम और औलाद याकूब्लाम पर नाजिल हुई थी यानी तोरा अंजील वग़ैरह और उन हदायात पर भी ईमान रखते हैं जो मूसा इस्लाम और ईसीम और दूसरे पैगम्बरों को उनके रब की तरफ से दी गई थी हम इनके दरम्यान फ़र्क नहीं करते और हम अल्लाह के ताबे फ़रमान हैं इस फरमाबर्दारी यानी इस इस्लाम लाने के अलावा जो शख्स कोई और तरीका इख्तियार करना चाहे उसका वो तरीका हरगज़ कबूल ना किया जाएगा अगर हम इस्लामी शरीयत के अलावा किसी और निज़ाम पर राजी हो गए हैं तो वो सिस्टम कभी भी कबूल नहीं होगा अल्लाह ताला उसे कबूल नहीं करेंगे और ये आख़रत का बहुत बड़ा खसारा होगा और आखरत में वो ना मुराद और नाकाम रहेगा अब महम्मद सल्ला वसम पर ईमान न लाने वालों से महमद सल्ला वल्लम का इतबा न करने वालों से कहा जा रहा है कैफ़ा यह दिल्क कमन الرسول फ़रूबाद ईमा व والله لا हकमजाबीनत القوم الظالمين कैसे हो सकता है कि अल्लाह उन लोगों को हदायत बख्शे जिन्होंने नमत ईमान पा लेने के बाद फिर को अख्तियार किया यानी ईमान ले आए थे कलमा पढ़ लिया था लेकिन फिर मर्तद हो गए हालांकि वो ख़ुद इस बात पर गवाही दे चुके हैं कि ये रसूल बरहक है और इनके पास रोशन निशानियाँ भी आ चुकी हैं अल्लाह ालमों को हदायत नहीं दिया करता यहाँ यही बताया जा रहा है कि बनी इसराइल के दिलों ने हकीकत को जान लिया था लेकिन तासुब की वजह से फिर अपनी बड़ाई ना चली जाए गलबा न इनका चला जाए इन्होंने हक़ का इनकार किया कुफ़र किया यानी दिल जानते थे हकीक़त कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं वल का जज़ा लन्ाही कति वन्नासी अजमाइन उनके जुल्म का सही बदला यही है कि उन पर अल्लाह और फ़रिश्तों और तमाम इंसानों की फिटकार है यानी लानत है या अल्लाह की रहमत से दूर होंगे और इसी हालत में वो हमेशा रहेंगे ना उनकी सज़ा में तखफीफ़ होगी यानी कोई कमी नहीं होगी ये अल्फाज पहले आ चुके हैं सोतलवकर में और फिर कहा जा रहा है कि न उन्हें मोहलत दी जाएगी ये नहीं कि आज जुम्मा है छुट्टी कर लो आराम कर लो बहुत सजा भुगत ली अब थोड़ा सा बैठ कर चैन कर लो सुकून हासिल कर लो नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा अलबत्त वो लोग बच जाएंगे जो इसके बाद तोबा करके अपने तर्ज़ अमल की सलाह कर लें यानी तोबा का दरवाज़ा खुला है कुछ शरायत है, ये यानी कि मौत के फरिश्ते देख लिए या क्यामत के आसार देख लिए फिर तोबा तोबा कर रहे हैं रहीम अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है मगर जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफर इख्तियार किया फिर अपने कुफर में बढ़ते ही चले गए उनकी तोबा कभी को बोलना होगी ऐसे लोग तो पक्के गुमराह हैं यकीन रखो जिन लोगों ने कुफर अख्तियार किया और कुफर ही की हालत बेजान दी उनमें से कोई अगर अपने आप को सज़ा से बचाने के लिए रूए ज़मीन भर का सोना फिदिया में दे दे तो वो सोना कबूल नहीं किया जाएगा देखिए ये तो नामुमकिन है इंसान तो खाली हाथ कब्र में जाता है और कब्र से ख़ाली हाथ ही निकलेगा लेकिन ये बताया जा रहा है कि फ़र्ज़ करें दुनिया भर का सोना दे दिया जाए और कहा जाए लो अफिदिये में ख़ुद को छुड़ा लो तो भी वो छुड़ा नहीं सकेंगे वम ऐसे लोगों के लिए दर्दाक सज़ा तैयार की गई है और वो अपना वहाँ कोई मददगार ना पाएंगे जब नई किताब आ जाती है नई शरीय आ जाती है तो फिर पिछली जो शरीयत होती है वो मनसूख हो जाती है मुसरत अहमद में है रसोल्ला सल्ला वम ने देखा कि हज़रत उमर बिन ख़ताब रज़ी अल्न् ने उनसे कहा कि या रसोल्ला मैंने एक दोस्त जो कि यहूदी है उससे कहा था कि तौरात के जामे तौरात की जो जामे बातें हैं मुझे लिख कर दो आप वसल्लम ने देखा कि उनके हाथ में वो लिखी हुई चीज़ें हैं फिर वो कहते हैं सतुमा रज़ी अल्लाह लहूँ कि यारसोल्ला अगर आप फरमाएँ तो मैंने पेश करूँ यानी आपको भी दिखाऊँ हजूर सल्ह का चेहरा उससे लाल हो गया हज़रत अब्दुल्ल बिन साबित रज़ी अल्लाह ने कहा ए उमर तुम नहीं देखते कि आप सलील वसम के चेहरे का क्या हाल है तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह कहने लगे मैं अल्लाह के रब होने पर इस्लाम के दीन होने पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर खुश हो गया राजी हो गया उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा दूर हुआ और फरमाया कसम है उस रब की जिसके हाथ में मेरी जान है अगर हज़रत मूसा इस्लाम तुम तो मैं आ जाएं और तुम उनकी ताबेदारी में लग जाओ उनकी ताद करने लगो और मुझे छोड़ दो तो तुम सब गुमराह हो जाओगे तमाम उमतों में मेरे हिस्से की उम्मत तुम हो और तमाम नबियों में से तुम्हारे हिस्से का नबी मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अलहदुल्ला की तोफ़ी से हमारा तीसरा पारा मुकम्मल हो गया है इन कल हम चौथे पारे का आगाज़ करेंगे दुआ है अल्लाह साल हमें इस क़ुरान के अहकाम बेहतरीन तरीके से समझने वाला और इन पर अमल करने वाला बनाए हम अपनी ज़िंदगी कुरन सुनत के मुताबिक गुजारें हम अपना तस्किया नफ्स करें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि आपका अलाखलाक अपनाएँ और दूसरों के लिए अमली नमूना बने दुआल तब सब का दौर क़ुरान सुनना कबूल फरमाए दर कुरान के सफ़र में इस्तकामत अता फरमाए आप सबको अपने हिफ मान में रखे सेहत और राफ़ियत अता फ़रमाए जहनी कल्बी, और रूहानी सुकून और इत्मीनान फरमाए अपना बहुत ख्याल रखिएगा सुबह नबी हमदी का न शुल्ल इल्ला अंता न व फिर रुका व न व वालक वरहल वबरकू